Thank you.
हो गया जी। उद्देश्य हमारा यही है, उद्देश्य यहाँ
बहुत सुंदर सुंदर लगता है, चकाचक प्रसाद होगा, फिर भी चकाचक प्रसाद हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सत्संग में आए हैं, कुछ अच्छे चीज को ग्रहण करेंगे और कुछ बुरे चीज को हमको छोड़ देना है। इसी उद्देश्य से ही हम यही बैठे हैं। तो एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे ठाकुर जी का शिव विग्रह है, तो मैं कुछ शिव विग्रह के ऊपर ही सुना देता हूँ। देखो ठाकुर जी जगत में पांच स्वरूप में उनका विस्तार है, पांच स्वरूप में उनका विशेष रूप में विस्तार है, स्वयं रूप में, विभव रूप में, वैभव रूप में। ठीक से समझना ये चीज को, स्वयं रूप में, वैभव रूप में, विभव रूप में, अंतर्यामी रूप में और शिव विग्रह के रूप में। स्वयं रूप में सच्चिदानंद भगवान तो स्वयं है ही है, और जो विभव उनके वैकुंठ जगत में अगर हम भागवत में अगर थोड़ा बहुत गुरु जी से मुख से श्रवण किए हैं तो इतना तो पता होगा कि चार विभव के रूप में वो नित्य धाम पे है, और वैभव रूप में उनका अनंत कोटि वैभव, अनंत बहुत सारा अवतार भी है जिसमें 24 अवतार प्रमुख है। और अंतर ये तो तीन, स्वयं रूप, वैभव रूप और विभव रूप, ये तीन नित्य धाम में है। और इस जगत में जो दो स्वरूप में ठाकुर जी विद्यमान है वो क्या है, वो है अंतर्यामी स्वरूप में और विग्रह के स्वरूप में। बहुत सारे लोग अंतर्यामी के स्वरूप में, हम सबके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, हम दुनिया को तो छुपा सकते हैं लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनको हम कैसे छुपाएंगे, उनको हम कैसे झूठ बोलेंगे। दुनिया को तो सबको तो हम झूठ बोल देंगे, दुनिया को सबको फाकी मार देंगे, लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो सब देखते हैं जो ठाकुर जी, उनको हम नहीं छुपा सकते। तो बोल रहे कि जो परमात्मा रूप में, इसको भी जीव विश्वास कर लेता है, अरे हाँ शास्त्र में लिखा हुआ है स्वयं रूप, हाँ हो सकते हैं, विभव रूप हो सकते हैं, और वैभव रूप भगवान का अनंत अनंत नृसिंह वामन आदि अवतार स्वरूप है, इसको भी विश्वास करते हैं, और अंतर्यामी रूप, अरे हाँ हमारे अंदर परमात्मा है, परमात्मा अगर हमारे अंदर कुछ तो है, खड़े हैं हम, कुछ तो ऐसा चीज है जो इसलिए हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ तो चेतन शक्ति है, चाहे कुछ ना कुछ, चाहे वो जितने भी मूर्ख से लेके जितने भी आस्तिक हो क्यों ना हो, वो तो उसको विश्वास करना पड़ेगा कि अंदर कुछ ना कुछ तो है। नहीं तो ऐसा होता है कि जब शरीर से वो परमात्मा जब निकल जाते हैं, उसी शरीर से और उसी भाई उसी माता के साथ हम क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, घूमते हैं, शरीर छोड़ने के बाद उसको पकड़ के घूमोगे? एक जगह पे दो दोस्त खा रहे हैं, अब एक दोस्त का शरीर छोड़ दिया, अब दूसरे दोस्त बोले इतने तुम इतना प्रेम कर रहा था इसके साथ खाऊंगा मैं अभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के, पर नहीं हो सकता, तो कुछ तो है ये तो मानना पड़ेगा, इसको भी स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जो विग्रह स्वरूप है उसमें सब गड़बड़ी हो जाती है। वास्तव में ठाकुर जी पूरा का पूरा जीव को कृपा करने के लिए विग्रह के स्वरूप में ठाकुर जी आते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि विग्रह रूप ये तो कौन बनाता है, अब जो विग्रह है वो शास्त्र में 8 प्रकार का विग्रह बताया गया है, शैली, दारू, मही, लकी इत्यादि इत्यादि करके, कि लोहे का युक्त हो सकता है, और अष्ट धातु से, पटचित्र इत्यादि, तो ये सब भौतिक पदार्थ से तो निर्मित है, तो इसीलिए इसमें जड़ बुद्धि, जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ में निर्मित है, इसमें ठाकुर जी कैसे समाहित हो गए। तो यहाँ पे एक उदाहरण देते हुए हमारे गुरुदेव भक्ति वत्सल नारायण गोस्वामी महाराज जी यहाँ पे उदाहरण देते हुए बड़े सुंदर बात बता रहे थे कि मान लो किसी को प्यास लगा है, और क्या करेगा वो, किसी को प्यास लगा है बहुत जोर से, अगर वो किसी को पानी मांगेगा कि बहुत जोर से प्यास लगा है भाई मुझे पानी दे दो, तो बोलेगा अच्छा पानी दे दे, तो वो बोलेगा कि आप क्या करो मेघमाला में चले जाओ। बात तो सही है, मेघमाला में जाएगा तब तक तो प्यास हरी बोल होके और ऊपर चला जाएगा, और बोलेगा कि तुम एक काम करो तुम गोमुख चले जाओ, वहां गंगा जी में वहीं साक्षात पानी आ रहे, वहां पे पी लेना जल, फिर भी वो क्या करेगा वहीं से, वहां जा ही नहीं सकता, सुलभ नहीं है, सुलभ होने बात सही है, कोई बोलेगा कि इतना बड़ा समंदर है पी लो, पी सकते हो, बात तो सही है पूरा, लेकिन किसी को अगर प्यास लग रहा है और बोल रहा है कि भैया मुझे प्यास लग रहा है, अच्छा ठीक है लो एक वगैरह से निकाला पूरा नींबू डाल के शरबत बना के पकड़ा लिया हाथ में, गटक 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 के पी लिए, कौन सा सुलभ है,
जो ग्लास में पानी प्याज रखते ही किसी ने हमारे हाथ में पानी का ग्लास, पानी का लोटा, बोतल, एक्सपायर्ड जो भी हो हमारे हाथ में पकड़ा दिया, वो सबसे सुलभ वस्तु है। और बाहर बाकी जगह पे तालाब पे पानी है, इधर पानी है, उधर पानी है, बात सही है, लेकिन वो सुलभ नहीं है। इसी वजह से आखिर ठाकुर जी मिलेंगे, बोले कोई बोलेगा कि मुझे ठाकुर जी के पास जाना है, चले जाओ वैकुंठ में, बात सही है, वैकुंठ में तो यही है, चले जाओ, ठाकुर जी पाताल लोक में भी है, बलि महाराज जी के लोक में भी जा सकते हो, देख लो ठाकुर जी हर जगह विद्यमान है, बात सही है। लेकिन कोई अगर हमें बोलेगा हमें ठाकुर जी चाहिए, तो हम उसको विग्रह प्रदान कर दे, ये सबसे ज्यादा सुलभ है। विग्रह के रूप में जीव को कृपा करने के लिए साक्षात रूप में ठाकुर जी विराजमान होते हैं। लेकिन विचार यहाँ पे दो है, मानो तो पत्थर, नहीं ना मानो तो पत्थर, और मानो तो वो पत्थर में भी ठाकुर जी स्वयं विद्यमान रहते हैं। जीव इसमें क्या कर देते हैं, बद्ध जीव इसमें जो ठाकुर जी के स्वयं विग्रह का जो स्वरूप धारण कर लेते हैं, उसमें मान लेते हैं अरे ये तो पत्थर है, और पत्थर मान तो लिए और क्या पत्थर जैसे ही काम करेंगे, कुछ फायदा ही नहीं होगा। लेकिन उसमें जो हमारे गुफाई बोल गए जीवन चरित्र में आता है, कितने कितने ऐसे उदाहरण है, किस किस प्रकार का ठाकुर जी को सेवा करते हैं, ठाकुर जी स्वयं उनको विशेष रूप में, स्वयं कभी ठाकुर जी नमक मांग देते हैं, कभी ठाकुर जी बोलते हैं आज मुझे ये चाहिए, कोई ठाकुर जी बोलते हैं आज मुझे अच्छे से श्रृंगार कर दो, चलो मैं तुम्हारे लिए बैठ गया, हमारे तोटा गोपीनाथ जी, हाँ हमारे अलारनाथ जी वहां पे बोलते हैं कि मैं खीर खा के चुरा के खा लिए, हमारे साक्षी गोपाल जी वृंदावन से पूरी तक पैदल चल के चले गए। अब बताओ विग्रह में साक्षात ठाकुर जी है कि नहीं, साक्षात विग्रह में ठाकुर जी पूरा का पूरा विद्यमान है। बद्ध जीव के लिए इतना दयालु, इतना सरल कर लिए। देखो हम कलियुग में आए हैं, तो कलिकाल में जो सबसे साधन, सबसे कम साधन कलिकाल में बताया गया है, कृतेज ध्यायते विष्णु त्रेत्या जजतो मुखे द्वापर परिचर्याय कलो तद हरि कीर्तना, इसमें बता रहे हैं कि नाम के महिमा का हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे कि सत्य युग में 100,000 साल आयु था और उस युग में तपस्या करते थे। अब बताओ हम तपस्या करने जाएंगे, इतना ठंड सहन नहीं हो सकता, तो हम पता नहीं क्या क्या पहन के आते हैं, और हम हिमालय जाएंगे क्या तपस्या करने के लिए, हमारा आयु कितना है, एक दिन नहीं खाते एकादशी के पहले ही हम देखते हैं पारण कब है, एकादशी अभी तक किया नहीं, बोलते हैं पारण देख लो भाई पारण कब है, पारण में क्या बनाना है, अरे राजमा बनाना है, चावल बनाना है, दाल बनाना है, हाँ एकादशी शुरू नहीं हुआ, और नहीं साल साल नहीं खा के हम तपस्या कर सकते हैं, तपस्या तो हमारे बस की बात नहीं है। और थोड़ा अगर आगे उठोगे बोलो तपस्या सत्य युग छोड़ दो, त्रेता युग में आ जाए यज्ञ करेंगे, तो उस समय का जितने भी यज्ञों के पदार्थ था वो इतना शुद्ध था, इतना शुद्ध था, आजकल हर चीज में मिलावटी है, घृत में मिलावटी है, घी जो हवन सामग्री उसमें मिलावटी है, पता नहीं आजकल लकड़ी पता नहीं उसमें भी क्या इलेक्ट्रिक चीज डाल के वो भी उसमें भी मिलावटी कर देते हैं, तो हर चीज में बहुत सारे मतलब क्या क्या करते रहते फिर भी आग ही नहीं जाता, ऐसा ऐसा कुछ स्थान है जिसमें देखे हम स्वयं देखे हैं। तो उस समय का जो यज्ञ था उसमें एक उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है कि त्रिष्टा ऋषि, यद्यपि प्रसंग बहुत बड़े है अगर सिंपली श्रवण करेंगे तो, एक ऋषि थे जिनका नाम त्रिष्टा है, और अपने पुत्र के बदला लेने के लिए इंद्र को वध करने के लिए एक यज्ञ किए, और उन्होंने जो यज्ञ किया उनके यज्ञ में जो स्थान शुद्धि वो शुद्धि था, उनके उपकरण यज्ञ का जितने भी द्रव्य वो सब शुद्धि था, घृत शुद्धि था, सब कुछ शुद्धि था, और जैसे होता है ना ब्राह्मण जो बोलने वाला जो प्रोनाउंसिएशन जो चार प्रकार के यज्ञ का जो कथा रहते हैं नीति और होता, तो जितने भी रहते हैं सब के सब शुद्ध उच्चारण करते थे, और पहले तो संस्कृत था, इतने सुंदर संस्कृत बोलते थे, आजकल संस्कृत नहीं बोले भैया और 5-10 रुपए ले लो यज्ञ जल्दी निपटा दो, क्या ये हवन हवन कर रहे हो आग में जला रहे हो हमको, हाँ 5-10 रुपया ले लिया और यज्ञ खत्म आजकल का यज्ञ।
तो उस समय का यज्ञ देखो, उस समय में यज्ञ में पूरा का पूरा जो प्रोनाउंसिएशन था, तो उसमें अंतिम में यज्ञ का जो फल है उसमें एक असुर वृत्रासुर निकलने वाले थे और यज्ञ का जो पूर्णाहुति देने जा रहे थे, तो उस पूर्णाहुति का मंत्र था कि इंद्र शत्रु विवर्धस्य। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन ऐसा है कि उस समय का जो संस्कृत था, कि अभी भी संस्कृत है, संस्कृत में स्वर का एक निर्धारित किया गया कि कौन से लेटर पे, कौन से अल्फाबेट पे ऊंचा उठेगा और कौन से अल्फाबेट पे नीचा होगा। जैसे मान लो कुछ स्वर ओम गणपत इस टाइप का, कहाँ पे ऊंचा उठेगा और कहाँ पे नीचा होगा। तो यहाँ पे बोलने थे इंद्र शत्रु विवर्धस्य। यहाँ पे अगर इंद्र को अगर ऊंचा उठा दिया कि सारे के सारे जगह में शक्ति इंद्र को चला जाएगा, और शत्रु को उठा अगर ऊंचा करके अगर यहाँ पे आहुति दे दिया कि सारे के सारे शत्रु को यज्ञ का जो फल, यज्ञ का जितना भी शक्ति शत्रु को चला जाएगा। तो इनको यहाँ पे बोलना था कि इंद्र को नीचा और शत्रु को ऊपर करके उठाना था, जैसे इंद्र शत्रु विवर्धस्य। इन्होंने इतने एक्साइटमेंट में आगे आहुति लिए, इंद्र शत्रु विवर्धस्य वास एक यज्ञ में पूरा इतने मेहनत का यज्ञ सब विफल। इंद्र को ऊंचा कर ले और जितने भी जितने यज्ञ कर रहे थे इंद्र को मारने के लिए, उस यज्ञ का सारे के सारे शक्ति इंद्र पे चला गया। तो देखो उस समय का प्रोनाउंसिएशन में संस्कृत में शुद्धता में इतना होने हुए पर भी उस समय पे त्रेता युग में त्रुटि था। लेकिन इस युग में कलिकाल में बताओ, आजकल जितने जितने विश्व शांति यज्ञ कर रहे हैं ना, उससे विश्व शांति हो रही है। पता नहीं क्या क्या शांति करने के लिए यज्ञ करते हैं और पूरा पूरा शांति करते हैं, क्योंकि युग का जो साधन वो यज्ञ नहीं है, यज्ञ नहीं है युग का साधन। फिर इससे अगर थोड़ा सरलतम उपाय में देखोगे तो द्वापर परिचर्या, कि द्वापर युग में किस भाव में गोपी लोग अर्चन करते थे, उनको जगाना नहीं पड़ता था सुबह सुबह ठाकुर जी को सेवा करने के लिए, उनको बोलना नहीं पड़ता था ठाकुर जी के लिए भोग बनाओ, सोते उनके हृदय में प्रकाशित होता था कि मैं कृष्ण का सेवा करूंगा सेवा करूंगा, ऐसा भाव उनके हृदय में प्रकाशित होता था द्वापर युग में। अब कलि युग में कोई बद्ध जीव अगर सुबह सुबह उठ के आरती भी करता है तो सामने अपने घर में तो भक्त है तो कर सकता है, लेकिन पड़ोसी के घर में कोई बहुत साल मतलब बहुत जोर जोर से सास और ननद का झगड़ा, सास और बहू का झगड़ा शुरू हो गया तो अरे उसके घर में झगड़ा हो रहा है चलो बालकनी से झांक के देखो क्या चल रहा है, और पूजा कर रहे हो और सामने बाराती लेके जा रहे हैं डीजे बज रहा है बहुत जोर से, अब क्या करोगे बताओ, पूजा में मन लगेगा, लगता है कभी पर नहीं लगेगा, तो तुरंत जाके जाओ कौन कौन शादी कर रहा है भाई मोहल्ले में। तो ये बात है कलिकाल में अर्चन मन लगाना, पूरा का पूरा मन नहीं लग सकता। फिर वो ठाकुर जी ने सरल कर दिया, करो तद हरि कीर्तना। कलियुग में केवल एक ही उपाय है भगवान का नाम स्मरण। तो उससे भी अगर सरल कर लिया कि देखो कलियुग में दो चीज है, तुम भगवान नाम को क्या करो, भगवान के जो नाम और साक्षात भगवान ही अपने नाम के स्वरूप में आ गए हैं, और पहले मैं जो बताया था विग्रह के स्वरूप में, अब नाम के रूप में तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे ही करेंगे, और विग्रह के रूप में भी ठाकुर जी को अपने घर में रख लिया। देखो ठाकुर जी को विग्रह, सबके घर में गोपाल जी है ना, लगता है सब भक्त है सबके घर में जरूर निश्चित भाव में गोपाल जी होंगे। देखो ठाकुर जी को विग्रह को घर में रखने का फायदा देखो, जागतिक लोग जैसे कुछ भी करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जब ठाकुर जी को देखते हैं हमारे घर में ये भावना आ जाता है कि हम अरे हमारे घर में अभी ठाकुर जी विद्यमान है, तो अब क्या करोगे, जितने भी सेवा होगा जितने भी कार्य होगा वो किसके केंद्रित करके होगा, बोले ठाकुर जी को केंद्रित करके होगा। देखो जैसे मान लेते ना लोग कि घर के एक कोना में ठाकुर जी पधरा दिए, ठाकुर जी रख लिए और बस घर को घर के कोना को ही मंदिर मानते हैं, बोले ऐसा नहीं है, हम मंदिर में जाते हैं बाउंड्री के अंदर क्रॉस मतलब एंट्री कर देते हैं, और हम किसी हमको किसी ने कॉल कर दिया भाई कहाँ हो, बोले हाँ मंदिर में, चाहे हम मंदिर के किचन में हो, चाहे हम मंदिर के बाहर हो, चाहे हम मंदिर की छत के ऊपर हो बालकनी हो कहीं पे भी हो, हम क्या बोलते हैं, हम तो मंदिर में ही है, ये जरूरी नहीं कि हम ठाकुर जी के सामने ही है। इसीलिए ठाकुर जी जिस जगह पे विद्यमान हो जाता है हो जाते हैं उस जगह पूरा का पूरा मंदिर बन जाता है। अब हमारे दिमाग में आ गया अरे ठाकुर जी यहाँ पे है तो मंदिर बन चुका है घर, अब मंदिर को बिना मार्जन करके
ठाकुर जी है तो गंदगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो सुबह सुबह उठ के क्या करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे। फिर सोचेंगे अरे ठाकुर जी के लिए भोग लगाएंगे, तो बाहर की चीज इधर उधर का चीज उल्टा उल्टा प्याज लहसुन जो खाते हैं वो सब तो नहीं हो सकता, हम वो सब खा नहीं सकते, इसीलिए सात्विक पदार्थ बना के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। फिर उससे वे ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, ठाकुर जी के लिए वस्त्र लाएंगे, तो सबके सब जो सेवा है वो क्या हो जाएगा, ठाकुर जी के उद्देश्य से हो जाएगा। हमारे मन को देखो, हमारे मन कलिकाल में इतना मतलब बुरा हो चुका है, मतलब आजकल के जमाने में तो सोचोगे तो इतना पूरा कन्वर्ट हो चुके हैं कि हम स्वाभाविक रूप में ठाकुर जी में विग्रह में रुचि नहीं होता, गुरु वैष्णव में रुचि नहीं होता। हमको कलिकाल में बोलते हैं माता जी इतना नीचे गिर जाएगा, उसको कोई चीज छोड़ने का जरूरत नहीं है, जी कोई चीज भी हमको छोड़ने का जरूरत नहीं, जी चीज को हमको जोड़ना है, हमारे जीवन में एक एक चीज को जोड़ना है। हम बोलेंगे अरे मैं खराब चीज छोड़ दूंगा, खराब चीज छोड़ दूंगा, बोले नहीं छोड़ सकते, क्या छोड़ोगे बताओ, नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। सांस लेना छोड़ सकते हो, सांस लेना कोई छोड़ सकता है, किसी को बुखार हो गया बोला मैं बुखार छोड़ दूंगा, बोले बुखार कैसे छोड़ोगे, मेडिसिन जोड़ लो बुखार छूट जाएगा। इसीलिए अच्छी चीज को हमको जोड़ना है हमारे जीवन में। अब कोई बोलेगा मैं नॉनवेज छोड़ूंगा, कैसे छोड़ेगा भाई, तुम प्रसाद पाना शुरू करो धीरे धीरे, तुम प्रसाद पाना शुरू करो और धीरे 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 वो प्रसाद के प्रभाव से वो धीरे धीरे छूट जाएगा। कोई बोलेगा कि मैं तो भाई गले में कंठी तिलक धारण नहीं कर सकता, कम से कम बोलते हैं कि कल में हम तो गले में कंठी तिलक धारण नहीं करते, आप लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हो, तिलक कंठी इतना इतना रूल रेगुलेशन, वो संप्रदाय में तो ये नहीं है, वो संप्रदाय में ये नहीं है, सब लोग बताते हैं। फिर भी सारे के सारे जितने संप्रदाय है और अलग अलग जो मायावाद संप्रदाय है उसमें सरल के सरल और सरल दिखते हैं अपने फायदा के लिए, लेकिन जो कठिनतम संप्रदाय है उसमें ही एक जगह पे ठाकुर जी स्वयं बता रहे हैं कि जो कठिन जितना कठिन है ठाकुर जी को प्राप्त करना उतना भी सरल है, क्योंकि हमको एक एक चीज भक्ति में जोड़ना है धीरे धीरे। अच्छा मुझे ये चीज करना है, ये जोड़ दूं तो ऑटोमेटिक धीरे 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 खराब चीज छूट जाएगा। और स्वाभाविक भाव से कोई अगर छूटेगा बोल देगा कि मैं अगर कोई खराब चीज छोड़ दूं तो वो कभी छोड़ नहीं सकता, उसको धीरे धीरे जोड़ना पड़ेगा। इसलिए सबके घर में कम से कम विग्रह रखो और विग्रह की नित्य प्रतिदिन सेवा करो। देखो एक छोटे से उदाहरण देते हुए मैं ये बात को खत्म करता हूँ। एक छोटा ही उदाहरण है कि प्रत्येक दिन विग्रह दर्शन का जो फायदा क्या है, प्रत्येक दिन विग्रह दर्शन से क्या लाभ मिलेगा, जागतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो एक कुम्हार था, कुम्हार समझ में आ रहा है, जो मटकी वटकी बनाते हैं, मिट्टी का कुल्हड़ पात्र इत्यादि बनाते हैं, तो एक कुम्हार था और कुम्हार के घर में घर के सामने एक जैसे रहते ना मोहल्ले में एक घर के सामने वो उसके घर के सामने वो, तो एक आदमी था तो उसका पता नहीं क्या ऐसा नियम कर लिया कि हर दिन कुछ करे ना करे वो जाके कुम्हार को देख के आएगा फिर खाएगा, हर दिन जाएगा कुम्हार को देखेगा फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेगा। सुबह जाता है देख लेता है अरे कुम्हार ऐसे ऐसे चक्की को घुमा घुमा के मटकी बना रहा है, अच्छा हाँ देख लिया चलो खा रहा है। फिर दोपहर में जाता है देख, जब तक तो उसको नहीं देखेगा ना तब तक ये खाना नहीं खाता है, उसका पता नहीं क्या नियम हो गया हर दिन देखता है। अब ये देखते 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 बहुत साल हो गए ये नियम करते करते कि हर दिन उसको देखेगा, देखने के बाद ही आके खाना खाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, कुम्हार नहीं है घर में, ये बेचारा ढूंढ रहा है खाना, मतलब उसके घर में परोस दिया बोले ले खाओ, बोले खा नहीं रहा है ये जाके ढूंढ रहा है, बोले कुम्हार कहाँ है, मटकी जो बनाने वाला वो कहाँ है, उसके घर में गया बोले वो नहीं है, घूम रहा है कहाँ है कहाँ है, खा नहीं रहा है, इसको भूख लग रहा है। अब इसका नियम ये है कि वो देखेगा तब जाके यहाँ पे आके कुछ खाएगा। तो उसी दिन के ही क्या हुआ कि जो कुम्हार था वो मिट्टी खोदते खोदते उसको बहुत सारा सोना जवेरात मिल गया, वहां पे जमीन पे किसने पहले से गाड़ रखा था या कैसे भी हो वहाँ पे उस जगह पे बहुत सारा सोना बहुत सारा जवाहरात ये सब मिल गया। अब ये वो जो कुम्हार समझ रहे भाई इसको कोई देख लेगा तो सबके सब राजा ले जाएंगे और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको यहीं पूरा क्या करता हूँ छुपा देता हूँ, यही गाड़ देता हूँ और इसको अच्छे से पोत देता हूँ, जैसे पूरा जब चाहिए थोड़ा थोड़ा निकालूंगा सोना, थोड़ा थोड़ा गोल्ड, थोड़ा थोड़ा पैसा,
निकाल के बस अब तो मेरा कुंभार का कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, अब तो पूरा ऐसी है माला माल हो चुका हूँ। अब इतने में ये क्या कर रहा है, तो कुंभार एक गड्ढा खोल के फिर से उसको नीचे गाड़ने वाला है। अब इतने में वो लड़का जो हर दिन जो देखता है कुंभार को, वो दूर से जाके पीछे से बोल दिया, देख लिया। हाँ देख लिया। तो दौड़ते दौड़ते जाके बोलिया, देख लिया, देख लिया बोल के वो दौड़ने लगा। ये कुंभार सोचता है, अरे अरे ये तो अब सब चीज देख चुका है, इसको भी सुनता हूँ, ये जाके तुरंत दौड़ने लगा, इसका मतलब ये राजा को बोल देगा, ये जरूर राजा को बोल देगा, बोले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो बोलते मैंने तो देख लिया, अब नहीं जाना है, मुझे भूख लग रहा है, मैं देख चुका हूँ। तो वो बोलता इधर आओ, तुम इधर आ जाओ। तो जब आया तो कुमार बोलता है, देखो तुम आधा ले जाओ, मैं आधा ले जाता हूँ। तो समझ में नहीं पा रहे उसको, वो तो कुंभार को देखने गया था, देखेगा तब जाके खाएगा। वो बोल रहे तुम आधा ले लो, मैं आधा ले लेता हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे। तो कुंभार सोचा, अच्छा अच्छा ये आधा से संतुष्ट नहीं है, सुनो तुम पूरा रख लो, कुछ कुछ मुझे दे देना। तो पूरा का पूरा जो मिट्टी का जो ये मिट्टी में जो नीचे गाड़ा था ना, उसको दिखा दिया, हीरे जवाहरात सोना सब दे दिया उसको। वो देख के आश्चर्य हो गया। तो देखो शिक्षा ये मिलता है, एक जागतिक लोग को दर्शन करता है, वो डेली डेली जाके क्या करता था, उसको देख के खाता था, कुछ नियम अपने जीवन में बनाया, तो उसको क्या मिला अंतिम में, सोना चांदी पता नहीं जागतिक धन ऐश्वर्य सब मिला। अगर हम प्रत्येक दिन उसी परमात्मा उसी भगवान को और कुछ नियम पूर्वक हम हरिनाम करेंगे, ठाकुर जी को रोज हमारे घर में, हम तो डेली मंदिर नहीं जा पाते, बोल रहे हो मंदिर आ जाओ, आप बोलते हैं भावना मार्ग प्रभु जी हमारा ठीक है, प्रभु जी हम सुबह ये घुटने में दर्द है, मंगल आरती नहीं जा पाएंगे, ये है वो है, बहुत सारा बहाना हो जाएगा। तो कम से कम एटलीस्ट घर में जो विग्रह है उनको तो हम प्रत्येक दिन दर्शन कर सकते हैं, कुछ नियम बना सकते हैं। तो सोचो जागतिक लोग, एक साधारण लोग को दर्शन से अगर इतना चीज प्राप्त हो सकता है, तो हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान है उनको देखेंगे, उनको नया श्रृंगार करेंगे, आज हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, उनको भोग लगाएंगे, नियम प्रतिदिन कुछ हरिनाम करेंगे, तो हमारा क्या नहीं होगा, क्या प्राप्त नहीं होगा, कुछ रह जाएगा क्या? लेकिन हम नियम पालन करते नहीं, हम कुछ भी नियम पालन करते नहीं, इसलिए भी बस ठाकुर जी वैसे ही बैठे रहते हैं, भाई ये तो कुछ करने रहा है अपने तरफ से, मैं उसको क्यों उसके पीछे जाऊं। तो जीवन में कम से कम नियम करना चाहिए कि खाने के पहले कुछ हरिनाम करना चाहिए, घर में से विग्रह जो गोपाल जी है उनको अच्छे से सेवा करना चाहिए, और सेवा करने के लिए पहले हमको किसी वैष्णव संप्रदाय से किसी गुरुवर्ग से हमको दीक्षा लेना चाहिए, कंठी तिलक धारण करना चाहिए, हम पहले शुद्ध बनेंगे तब जाके तो ठाकुर जी हमको ग्रहण करेंगे। जैसे हम तुलसी ग्रहण कर लेते हैं, हर चीज में हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तुलसी दल प्रदान करके भोग लगाते हैं, तुलसी दल देखते ही ठाकुर जी उसको ग्रहण कर ले। ठाकुर जी मंत्र के अधीन नहीं है, ज्ञान के अधीन नहीं है, भाव के अधीन तुलसी दल डालो, ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। अब गुरु वैष्णव हमारे ऊपर जब तुलसी दे देते ना, तो ठाकुर जी भी हमको ग्रहण कर लेते हैं। मानो कि गुरु वैष्णव हमारे ऊपर तुलसी दे दिया कि ठाकुर जी को प्रदान कर दे, तो ये आपका दास है तो ठाकुर जी क्यों ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमको नियम बनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। बिना नियम के कुछ नहीं हो सकता, बिना रूटीन के कुछ नहीं होता, बिना प्लानिंग से कुछ होता है? बिना प्लानिंग से इतना बड़ा घर महल ये घर बन गया क्या बिना प्लानिंग से? तो सब चीज प्लानिंग से होता है, कुछ ना कुछ हमको नियम बनाना पड़ेगा अपने जीवन में, थोड़े बहुत हरिनाम करना पड़ेगा, गुरु वैष्णव से नामांतरित होके गुरु वैष्णव से यथाविध मंत्र लेके उसको थोड़ा थोड़ा भजन करके विग्रह को प्रत्येक दिन दर्शन सेवा भोग इत्यादि इत्यादि थोड़ा कुछ एक भी नियम करेंगे ना, हमारा कल्याण निश्चित है। ठीक है बांछा, दामोदर राजकुमार आ जाओ।
आप सब पे हो रही है नहीं हो रही है? कैसे कैसे हो रही है? आगे जाओगे कृपा। एक एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति आपके घर में आया। क्या आया? धनाढ्य। और वो चाहे तो आपके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को दूर कर सकता है। क्या कर सकता है? दरिद्रता को दूर कर सकता है। किंतु वो आपके घर में भी आ गया, बैठ भी गया, है ना, और उसने वो दौलत आपको दी भी। लेकिन जब तक आपको पता है कि वो दौलत है, तो आप उसे क्या करोगे? उस दौलत को क्या करोगे? लेकर के क्या करोगे? लोगे या छोड़ दोगे? क्या करोगे उसी समय? क्यों क्यों लोगे उस दौलत को? क्योंकि आपको दरिद्रता दूर करनी, दुख दूर करने है ना। या केवल क्या करोगे? बस जो वो देगा उसे देखोगे, घर में नहीं रखोगे, संभाल के क्या करोगे? संभाल के रखोगे, पक्का बात है। तो देखो, गुरुदेव आ गए, भगवान की वास्तविक कृपा हो गई। क्या हो गया हमको? हरि गुरु वैष्णव के क्या हो गए? दर्शन हो गए। लेकिन अब ये देंगे क्या? भगवान का नाम, भगवान की कथा, और उसमें कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो हमें करनी भी पड़ेंगी। खाली दे जाएंगे और हम ना उसकी कोई कीमत समझेंगे, ना उसे उठा के रखेंगे, ना उसकी तरफ ध्यान देंगे। हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। केवल हमने क्या करना है? बस आना है, प्रणाम करना है, जाना है। इससे बहुत फल है, बहुत सारी सुकृतियां बन रही है। परंतु जो वास्तविक फल हमको मिलना चाहिए वो इससे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो अभी हमें जब इतनी भगवान कृपा कर रहे हैं, बारंबार आपके गुरुदेव कृपा करके आ रहे हैं और इतने सारे वैष्णव लोग आ रहे हैं, बार बार हरि कथा कह रहे हैं, तो हमें काम एक ही करना पड़ेगा। बस हमें उस हरि कथा को सुनने के बाद उसमें जो 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 बातें हैं, जो क्रियाएं हैं, जब तक हम करेंगे नहीं ना, क्या होगा? वो जो हमको देखेंगे ना, तो उस वस्तु की हमको अनुभूति हो पाएगी और ना उससे जो प्राप्ति होनी है वही हमें संपूर्ण रूप में हो पाएगी। तो यदि वास्तव में मेरे हृदय में इच्छा है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, बार बार क्यों आ रहे हैं? क्यों बार बार आ जाते हैं? इतनी दूर से आते हैं, क्यों आते, कैसे आ रहे हैं? कि आपकी तरह मेरे पास भी पात्रता नहीं है, अपात्रता है। तो क्या कर रहे हैं? किसी प्रकार के जो ये आज्ञाएं, जो ये भक्ति में कुछ चीजें दे रहे हैं, उसमें से शायद कोई एक ही एक बार हो पाए इस जन्म में, और यदि एक भी वास्तविक रूप में हो पाई तो हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा की बात है, है ना? हमारा बहुत बड़ी कृपा हो जाए, करुणा हो जाए। पर जब हम सुबह उठ के दुर्वष्टकम करते हैं ना, उसमें एक लाइन आती है, युक्तस्य भक्तंस न्यूनजो तवापि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अब वहां बहुत सारी चीजें हैं। वो कह रहे हैं भैया ये अपन खुद तो नियुक्त है ही सेवाओं में, किंतु क्या करते हैं? अपने अनुगत जनों को भी नियुक्त कर देते हैं। तो वहां पर जब उसका हिंदी अर्थ है, तो वहां गुरु जी ने इन्वर्टेड कोमा में बंद किया है किसको? अनुगत शब्द को। किसको बंद किया है? अनुगत। भक्तजन तो लिखा है, लेकिन इन्वर्टेड कोमा में क्या बंद कर दिया? अनुगत। मतलब गुरुदेव आ गए, कृपा कर रहे हैं, जो राधा कृष्ण के श्रृंगार इत्यादि निकुंजों में होते हैं, हमें आके कृपा करके बता भी रहे हैं और वो सेवा भी कर रहे हैं। और जितनी प्रकार की राधा कृष्ण की सेवा है सब में नित्य है, जो श्री विग्रह सेवा है उसमें भी नित्य है। ऐसा नहीं है कि गुरुवर अभी यहां पर बैठे हैं, अभी तो हमको दिख नहीं रहा श्री विग्रह सेवा में, पर कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब गुरुवर्ग उस राधा कृष्ण की वो श्री विग्रह सेवा में नहीं है। हर समय नित्य है। इनका बोलना, इनका चलना, इनका बैठना, सब कुछ क्या है? वो श्री विग्रह सेवा में, यानी वो हर समय उन राधा कृष्ण की नित्य सेवा में है। चाहे वो कोई भी क्रिया कर रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं? इंटरनली कहाँ है? वो उसी सेवा में, क्योंकि वहीं से तो आए। हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए उस सेवा से यहाँ पर आए हैं, क्या करने के लिए? वही सेवा हम जैसे जीवों को प्रदान करने के लिए, परंतु हमें मिलेगी कब? तो शब्द लिखा अनुगत। अनुगत का मतलब क्या? जो वो कह रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं, जिस प्रकार से करने के लिए वैसे ही करना पड़ेगा, उनके सरेंडर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल मैं तो प्रभु जी आपके अनुगत्य में हूं, सब लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं तो आपके अनुगत्य में हूं। आप जब है अनुगत्य में, एक संसार के विषय में बात तो कह दें गलती से, क्या होगा? उसी समय सारा अनुगत्य एक साइड में उठाकर रख दिया जाएगा, हो गया अनुगत्य। यहां तक कि जब ये चीजें शुरू होती है, ये होते होते
जब अपनी मानसिक बात आ जाती है ना, गुरु के प्रति विरोध कर लेते हैं। तो हमें संसारिक बातों को एक साइड में रख के भक्ति जगत में कभी कभी डांट भी पड़ती है, कभी कभी प्रेम भी मिलता है, कभी कभी बहुत अनुराग मिलता है। और अभी हम सुन रहे हैं ना गुरुदेव की मधुर स्मृतियां, तो जितने महाराज लोग जितने लोग कथा कर रहे हैं, एक बात बताओ उसमें से प्रेम की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन महाराज लोग ज्यादातर क्या बात कर रहे हैं, मेरे को वहां पिटाई हुई, मेरे को वहां डांट पड़ी, मेरे को ये मिला। और साथ में बता रहे गुरुदेव ने डांट तो लाई साथ में प्रेम भी, बाद में क्या कर लिया मुझे आलिंगन भी कर लिया। तो हम उस आलिंगन के लिए भी हमें वहां खड़ा होना पड़ेगा। डांट लगने के बाद ही भाग गए तो आलिंगन करने का समय मिलेगा नहीं ना। तो यदि डांट लग भी गई है तो बच्चा वहीं खड़े होकर रोता है जहां पर मां मार रही है, उसके बाद क्या होता है थोड़ी देर क्या करता है, मां ही क्या करती है मारने के बाद उसे क्या करती है आलिंगन कर लेती, तो बच्चा वहां छोड़ के चला जाता है ना आलिंगन होगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो ये गुरुवर देने आए ना, इनके अनुगत्य के बिना नहीं होगा। और अनुगत्य कब होगा, जब हम इनकी बताई हुई शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करेंगे। यदि हम शिक्षाओं को ही नहीं चलने की कोशिश करेंगे तो अनुगत्य कभी किसी स्थिति में होना नहीं है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, इनका आना भी महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या, हर समय तो ना वो आएंगे और ना आप हर समय इस तरह आप आओगे, तो क्या करना पड़ेगा, इनकी शिक्षाओं को परिपूर्ण रूप में अनुगत्य करना पड़ेगा, चाहे घर में है चाहे कहीं भी है। तो उन शिक्षाओं में हमारा अनुगत्य कितना हो रहा है, इस पर हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। और अगर ये विचार हमारे हृदय में नहीं आ रहे ना, तो फिर भजन बहुत जल्दी होने वाला नहीं है। तो ये जो देने आए थे संपत्ति, वो जो सेवा प्रदान करने आए थे, वो वास्तव में फिर हमको मिल नहीं पाएगी। तो यदि सेवा वास्तव में चाहिए तो हमें गंभीर होकर क्या करना पड़ेगा, इन्हीं गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आप ही सब कुछ देने वाले और कृपा करने वाले भी आप, कराने वाले भी आप हो, पर उस सब में मैं करने के लिए प्रस्तुत हूं, ये तो कम से कम मुझे करना पड़ेगा ना। तो अगर नहीं होना तो प्रार्थना तो कर सकते ना रोज, हे गुरुदेव मैं बहुत तरीके से, पर ये हो नहीं रहा, तो कृपा करके आप क्या करो ये करा दो। तो जिससे नहीं हो रहा है ना, हृदय खोल के प्रार्थना तो करनी शुरू करो, पक्का जरूर होगा और जरूर होगा। ठीक है, वांछा कल जरूर पीछे मैं ये सोच के बैठा था कि जीन्स पहन के आया हूँ, तिलक भी नहीं लगाया, महाराज जी तो पक्का बुलाएंगे, मेरे पूरे पूरे चांसेस है, ना खड़ा होना पड़ेगा, ना डर लगेगा, ना बोलना पड़ेगा, खा पी के निकल जाऊंगा, महाराज जी को दूर से प्रणाम कर दूंगा। लेकिन जो सदगुरु होते हैं ना, वो उस परफेक्ट अध्यापक की तरह, उस परफेक्ट टीचर की तरह होते हैं, जो क्लास में बैठे हुए पीछे नालायक बच्चे होते हैं ना, ना यूनिफॉर्म प्रेस करके आते हैं, ना जूते सही से पहन के आते हैं, टीचर क्या कहता है, अरे पीछे मत, तुम आगे आओ, आगे बैठो। तो मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने कहा महाराज तो बुलाएंगे, रोहिणी प्रभु है आगे, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, धुरंधर बैठे हैं, मुझे क्यों बुलाएंगे। लेकिन जो एक अच्छा टीचर होता है क्या करता है, भाई ये बच्चा तो ऑलरेडी 95% ला रहा है, मैं उस बच्चे को देखूंगा जो फेल हो रहा है, जो पास ही नहीं हो रहा, मेरी सिचुएशन भी उसी बच्चे की तरह है। इसलिए अभी भी मैं काम पर हूं, दोनों टांगे मेरी कांप रही हैं, क्योंकि अगर मैं ये सोचूं मैं कुछ श्लोक याद करके यहां पर बोल दूंगा बिना अनुभूति के, तो वो तो एक तोता भी बोल लेता है राम राम राधे राधे। तो ये जानना पड़ेगा कि मैं यहां पर क्यों, मेरे को महाराज जी ने बुलाया, उस आने का अभिप्राय क्या है। आज से तकरीबन 75-80 साल पहले, कितने 75-80 ईयर्स पहले, हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोदशत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, यानी जो हमारे गुरु जी हैं जिनका बीच में चित्रपट है, उनके गुरुदेव
एक बार उनको किसी ने बोला, अरे केशव महाराज जी, मैं देखता हूं जो देवानंद गोड़िया मठ है बहुत जमीन खाली है, खाली जमीन का क्या करते हो? कुछ बीज को डाल दो, सुंदर सुंदर पौधे आएंगे, फूल आएंगे, ठाकुर की सेवा में लगाना। यहां पर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का विचार सुनिए। उन्होंने बोला कि मेरे जो ये जमीन है इसमें सिर्फ तीन फूल लगे हैं। कह रहे तीन फूल लगे हैं, कहां है? मैं देख रहा हूं कोई पौधा नहीं है, आप कह रहे हो तीन फूल लगे हैं। तो परम गुरुदेव ने बोला, अगर मैं यहां पे कुछ पौधे डालूंगा, फूल उग भी जाएंगे, उनकी खुशबू कहां तक जाएगी? सिर्फ उस दरवाजे तक। लेकिन मैंने जो तीन फूल उगाए हैं, तुम देखना वो अपनी खुशबू सर्वत्र पूरे विश्व में पहुंचाएंगे। और उन तीन फूल का नाम हुआ श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। 2020 आ चुका है, आज भी जब आप बंगाल में जाके वामन महाराज जी के शिष्यों से उनकी महिमा को सुनेंगे तो कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अभी तक वो उस प्रेम को भूल नहीं पाए। दूसरे फूल कौन बने? श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, ये परम गुरुदेव के दूसरे फूल थे। तीसरे फूल कौन हुए? श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। तो परम गुरुदेव ने बोला कि ये मेरे तीन फूल हैं। 2010 में जब गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश करने के पूर्व गुरुदेव ने भी एक छोटे से बीज को लगाया था और आज वही बीज हमारे समाज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गए, कितने सारे फूल, कितने सारे फलों को दे रहा है। सोलर सिस्टम होता ना, सूरज से क्या करता है, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करके बिजली बनाता है। अब मैं ये सोचूं कि मैं हाथ में ट्यूबलाइट लेके सूरज के नीचे खड़ा हो जाऊं, लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों? सूरज क्या होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है मशीन में गई, सोलर सिस्टम में, मशीन से बिजली बनी, बिजली से लाइट जली। ऐसे ही शास्त्र बोलते हैं कि अगर हमें भगवान को अच्छे से जानना है तो उसकी विधि क्या है। मैं ज्यादा श्लोक नहीं बोलूंगा, सिर्फ हम दो श्लोक को लेके चलेंगे और इसी को ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ दो श्लोक। पहला, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा विगछेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठनम। शास्त्र कह रहे हैं कि तद विज्ञानार्थम, अगर उस विज्ञान को जानना है, कौन से विज्ञान को? भगवत संबंधी, भगवान के ज्ञान को जानना है तो क्या करो? गुरु मेवा विगछेत, गुरुदेव के पास जाओ। अब कैसे जाए? समित पाणी श्रोत्रियम, यानी अपने हृदय को लेके गुरुदेव के पास जाना है। अहंकार को लेके जाओगे, पैसे को लेके जाओगे, ज्ञान को लेके जाओगे, तो उसका एक अच्छा एग्जांपल दूं। हमारे गुरुदेव के पास जब कोई आता था ना, तो गुरुदेव से बोलते थे, गुरुदेव मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, गुरुदेव मेरे लड़के की जॉब नहीं लग रही। गुरुदेव पता कैसे बोलते थे? ऐसे कान के पास हाथ रख के ना, आ? आ? तो ये भाई तुम्हारी दीदी है, जान की दीदी ने गुरुदेव को बोला, आप ये जो आ करते हो ना, मैं सब जानती हूँ, सब सुन रहे हो आप, लेकिन आप ये बातें सुनने ही नहीं चाहते। और ये सच है, हम गुरुदेव के पास इसलिए नहीं जाएंगे कि गुरुदेव ये हो गया वो हो गया, वो तो गुरुदेव को पता ही है कि संसार में तो ये हो ही रहा है। तो श्लोक बोलते हैं किसने जाएंगे? गुरु मेवा विगछेत समित पाणी, यानी श्रद्धा लेके श्रोत्र समित प्राणी श्रोत्र ब्रह्म निष्ठनम, यानी ऐसे गुरुदेव जो कृष्ण के प्रेम में
कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, डूब चुके हैं। अब दूसरे श्लोक पे आते हैं, हम में से ऐसा कौन है जो हृदय से चाहता है कि एक ना एक दिन मैं गुरुदेव की पूर्ण रूप से सेवा कर सकूं। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हम में से कौन चाहता है कि मैं गुरुजी की सेवा कर सकूं या कर सकूं एक दिन? कौन चाहता है? चाहते हैं ना। जैसे टीचर पूछता है कि अच्छा स्टूडेंट कौन बनना चाहता है, बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए, हम शिष्य तो बनना चाहते हैं, क्या यहाँ पे किसी को पता है कि शिष्य बनने के लिए कौन से तीन गुण होने चाहिए अंदर? हम बहुत टाइम से कथा सुन रहे हैं, मैं तो पहली बार आया बच्चा हूं, अभी रोनी नंदन प्रभु जी भी बोलेंगे, लेकिन ऐसे कौन से तीन गुण हैं जो एक शिष्य के लिए उसके अंदर होने चाहिए गुरुदेव की सेवा करने के लिए? बता दो, कोई बताएगा? देखो, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जिन्होंने क्या बनाया था सबसे पहले, जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना करी, यानी शिला महाराज जी के परम गुरुदेव, गुरु जी के गुरु जी, उन्होंने ना एक बहुत अच्छा ग्रंथ बनाया, उसका नाम है गौड़िया कंठहार। क्या नाम है? सुनाई नहीं है? हाँ, गौड़िया कंठहार। उसके अंदर ये श्लोक है, अगर श्लोक ना भी याद होना, जैसे कि दीदी लिख रही है ना, कथा में कॉपी लेके जरूर बैठा करो और पॉइंट्स लिख लो। संस्कृत नहीं याद होगी कुछ बात नहीं, पॉइंट्स लिख लो। अब इस श्लोक के अंदर तीन ऐसे गुण बताए गए हैं जो शिष्य के अंदर होने चाहिए और तीन गुण गुरुदेव के अंदर भी होने चाहिए। सोना लेने जाते हो तो स्टैंप देखते हो ना कि असली है नकली। अब तीन गुण क्या है शिष्य के अंदर, सुन लो। कहते हैं तस्मात गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ये तीन गुण हो गए। कह रहे हैं पहला गुण तस्मात, तस्मात में ये होता है कि शिष्य को तो पहले ये अनुभूति होनी चाहिए कि बिना गुरुदेव की मेरी दशा वैसी ही है कि मैं जहाज के अंदर तो बैठा हूं लेकिन कैप्टन ही नहीं है जहाज में, वो समुद्र के बीच में हूं, ना मेरे पास नक्शा है कहां जाना है, ना मुझे जहाज चलाना आता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी पहुंच पाएगा? कभी नहीं, अपनी जहां वो जाना चाहता कभी नहीं पहुंच पाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, ऊपर देखोगे ऊपर ही चले जाओगे, ज्यादा ऊपर नहीं, वो हैं उनके दो सिंह लगे पड़े, उन्हीं के पास जाओगे, ऊपर मत देख पाए। यहां देखो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक श्लोक बोलते थे बहुत ज्यादा, वो है ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कि कितने कितने जन्मों के बाद एक भाग्यवान जीव अगर गुरुदेव के पास आया तो उसको ये पता होना चाहिए कि बिना गुरुदेव के अब मेरी नैया पार तो हो ही नहीं सकती। तो पहला अनुभूति ये गुण शिष्य के अंदर होना चाहिए कि गुरुदेव के अलावा मेरी और कोई रक्षा नहीं करेगा। ये हो गया पहला गुण। ये अब दूसरा गुण तस्मात गुरु प्रपद्येत। अब गुरुदेव के पास तो गए लेकिन अगर शरणागति ही नहीं है, गुरुदेव आए बोले कथा में बैठे कुछ नहीं लिखा, कैसे पता चलेगा कि गुरुदेव क्या आए? यहां से सुना यहां से निकल गया। तो बोलते हैं दूसरा गुण शिष्य के अंदर होना चाहिए कि गुरु जी के प्रति शरणागति होनी चाहिए। पहला तो अनुभूति होनी चाहिए कि गुरुदेव के बिना मैं क्या हूं, जीरो। फिर दूसरा गुरु जी के प्रति शरणागति। अब तीसरा जो शिष्य के अंदर गुण होना चाहिए और जो आखिरी कह रहे हैं जिज्ञासु, शिष्य के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए किसके लिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। श्रेय मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका संबंध भगवान से और आत्मा से है। ये नहीं कि गुरुदेव बताओ मैं वो वाली प्रॉपर्टी का क्या करूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं, समझ नहीं आ रहा गुरुदेव, ये नहीं। गुरुजी के पास जाएंगे
उन सभी प्रश्नों को लेके जो श्रेय उत्तमम, ये तीन गुण बताए शिष्य के अंदर होने चाहिए। अगर इनमें से एक गुण भी इधर उधर हुआ तो शिष्य की नैया वहां की वहीं रहेगी। अब ये चीज गुरुदेव सब लिख कर गए, ये हमारे ऊपर है कि हम खोलते हैं उन ग्रंथों को कि नहीं खोलते। अब तीन गुण गुरुदेव के अंदर होने चाहिए तो वो सद्गुरु है। अब बताइए तीन गुण कौन से हो सकते हैं, कोई बता सकता है? गुरुदेव के अंदर तीन गुण होते हैं जिनसे ये जाना जाता है कि गुरुदेव सद्गुरु है। कोई से ही बता दीजिए, माता जी आप बता दीजिए। मैं एकदम नया व्यक्ति हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु जी सद्गुरु है, कुछ भी बता दीजिए। आप कैसे बताएंगे? दूसरी लाइन में से एकदम सही पॉइंट बोला माता जी ने, तीन गुणों में से एकदम सही गुण बोला माता जी ने। ताली बजा। देखो तीन गुण गुरुदेव के अंदर होने चाहिए। कहते हैं शाब्दे, यानी जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, गुरुदेव को उन सब का ज्ञान तो होता ही है, अनुभूति भी होती है। एक तरफ तो कहते हैं कि भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गुरुदेव को ज्ञान भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब शिष्य नया नया आता है उसके हृदय में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, समस्याएं होती हैं, तो गुरुदेव क्या करते हैं, उन सभी समस्याओं को उस परमात्मिक ज्ञान की सहायता से उस सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। तो ये पहला गुरुदेव के अंदर एक गुण है कि गुरुदेव जितने भी शास्त्र हैं उन सबको गुरुदेव अपने हृदय में सिमोटे रखे हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा गुण शाब्दे परे। कहते हैं गुरुदेव को भगवान की अनुभूति है, या ये कहा जाए गुरुदेव साक्षात रूप से भगवान का दर्शन करते रहते हैं। इसको हमें एग्जाम्पल से और सच्चे स्टोरी से समझेंगे। हमारे गुरुवर्ग में एक गुरुदेव आए, श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी। एक बार भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, जगन्नाथ रथ यात्रा होती है ना, टीवी में आती है, कितने लाखों लाखों लोग होते हैं। तो भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी के ऐसे जो छोली थी ना जे, उसमें कपड़े की पोटली थी, पोटली के अंदर कुछ सिक्के थे। तो भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी देख रहे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रथ को देख रहे हैं और देख देख के रो रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, अपने पूरे महल को छोड़ के सड़क पे आ गए हम जीवों को कृपा करने के लिए। इतने में एक चोर आया और भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी की जेब में हाथ डाल के पैसे लेके भाग गया, वो चोरी करके भाग गया। अब ये चीज प्रमोद पुरी महाराज जी ने अनुभूति नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो अपने मन को, अपने नेत्र को कहां लगा रखा है, जगन्नाथ जी के दर्शन में। अब जो साथ में सेवक था उसने देख लिया कि अरे चोर गुरुदेव की जेब से पैसा लेके भागा, वो गया पीछे, लेकिन इतनी भीड़ है कहां ढूंढेगा। अब वो वापस आया, बोला गुरुदेव गुरुदेव वो चोरी करके भाग गया। प्रमोद पुरी महाराज जी ने तो पहले सुना नहीं, इग्नोर करा, अरे गुरुदेव वो पैसा लेके भाग गया। तो प्रमोद पुरी महाराज जी देखे उनकी आंखों में आंसू हैं और आंखें लाल हैं, वो बोल रहे हैं पैसा चला गया तो आ जाएगा, लेकिन ये जो इस समय भगवान का दृश्य है, ये जो भाव है, ये कभी ये किसी पैसे देके आएगा क्या? ये नहीं आएगा। इसको कहते हैं कि गुरुदेव के अंदर जो दूसरा गुण है शाब्दे परे, भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन इस गुण को जानने के लिए एक और गुण चाहिए। जैसे मैं बोल सकता हूं, आसाराम जैसा कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मेरे को भगवान की अनुभूति है, मेरे को भगवान दिखता है। अब बताओ मैं बोल दूं मुझे भगवान दिखते हैं, आप कैसे बोल सकते हो नहीं दिखते? इसको जानने के लिए एक गुण और होना चाहिए गुरुदेव में, और ये लास्ट गुण है। कहते हैं शाब्दे परे च निषादम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। जो गुरुदेव होंगे ना
वो संसार के दुखों से ग्रस्त नहीं होंगे। मेरा मोबाइल गुम हो गया, मेरा सर ऐसा फट जाएगा कि मुझे तो मृदंग बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे आवाजें सुनाई देंगी मुझे। क्यों? क्योंकि मैं अभी ग्रस्त हूं, मैं उस चीज के अंदर में डूबा हुआ हूं, लेकिन गुरुदेव उस चीज में नहीं है। मैं अपनी आंखों देखी, ये लास्ट लाइन बोल के बंद करता हूं। 2007 में मैं गोवर्धन में था, तो गुरुदेव श्री श्री मद भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी गुरुदेव सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। मैं था, माधव महाराज जी थे, ब्रजनाथ प्रभु और पद्मनाभ महाराज, एक अंग्रेज महाराज जी हैं, हो सकता आप लोग जानते हो कि नहीं। तो गुरुदेव की ये रूटीन थी, गुरुदेव सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। तो मैं तो तब छोटा ही था, तो मैंने माधव महाराज जी बोला, महाराज जी मैं चल पड़ो। महाराज ने कहा ठीक है चल पड़ो, पीछे रहना। तो मुझे तो गुरुदेव से ऐसा डर लगता था कि बस अगर गुरुदेव ने देख लिया फिर मैं क्या, फिर कुछ पूछना ले। वो जो चीज मैंने देखी वो आज तक नहीं भूल पाया, जो उस दिन घटना हुई। जैसे महाराज जी बैठे हैं, गुरुदेव ऐसे बैठे हुए थे, जब हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आगे गए, गुरुदेव बैठे थे, एक व्यक्ति आया पागल सा, उसने बोला, ए साधु तू तो चोर है, चोर एक नंबर का, तू ठग रहा है और सभी लोगों से पैसा लूटता है। ये बात जब ब्रजनाथ प्रभु ने समझी, वो तो अंग्रेज, उनको समझ नहीं आई। माधव महाराज जी सुनी, अभी था तो मैं छोटा लेकिन खून कहीं ना कहीं तो पंजाबी है, खून तो मेरा उबला, और मैंने भी सोचा कि थोड़ा कर देते हैं ऊपर नीचे माँ बहन की, क्योंकि उसने गुरुदेव को गाली देना शुरू कर दिया था। सच बता रहा हूं, उसने गुरुदेव को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां भी दी। उस समय ब्रजनाथ प्रभु उस व्यक्ति को मारने के लिए, थोड़ा धक्का मारने के लिए हटे, तो गुरुदेव ने ब्रजनाथ प्रभु को बोला, वो तो समझ नहीं रहा कि वो क्या बोल रहा है और उसकी गति क्या हो सकती है, तुम तो जानते हो ना, तुम अपना हरिनाम करो भाई, भगवान परीक्षा लेगा कैसे लेगा, और यही भगवान की परीक्षा है कि तुम्हें सहन शक्ति कितनी है। वो बात उस समय तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब वही बातें जब श्रील महाराज जी के मुख से सुनता हूं तो समझ आता है कि हमारा कितना बड़ा भाग्य नहीं, सौभाग्य है। तो ऐसे ही महाराज जी के चरणों में मैं अपने बार बार महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो कृपा हम गुरुदेव से डायरेक्ट नहीं ले पाए वो आपके थ्रू वैसे ही लेंगे, जैसे सूरज की ऊर्जा सोलर सिस्टम के थ्रू घर में आती है बिजली, वैसे ही कृपा हम महाराज जी से प्राप्त करेंगे। श्यामानंद बोलोगे? आज सामने आ जाओ। श्रीगौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणी नामिने सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रभु। ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करते हुए व्यास आसीन पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करते हुए समस्त अपने गुरु भाई बहने वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। पूर्व वक्ताओं से हमने बहुत सुंदर सुंदर विचार सुने हैं। महाराज जी की आज्ञा हुई है कि बहुत जल्दी से कुछ बोल दें, तो उन्हीं से कृपा प्रार्थना करता हूं कि आप कुछ कृपा संचरित करें कि सार रूप में कुछ सुना पाऊं। जो हमने पूर्व रूप में सुना अभी उसके सार को हम अनुभूति करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम सुन रहे हैं, कृपा हो रही है, हमें
प्रयास करना, हमें साधन करनी है, जैसी बात बोलनी है वैसे करनी ही करनी है, है ना। ये सुना, मैं एक प्रश्न अपने आप से कर रहा था, क्या वो जैसा कह रहे हैं मैं कर सकता हूं? आप अपने आप से भी प्रश्न कीजिए, जैसा गुरुवर्ग आचार्य लोग बोल रहे हैं ऐसा करो, क्या मैं कर सकता हूं? तो फिर मुझे क्या करना है? चेष्टा, चेष्टा, चेष्टा करने के लिए। तो वो चेष्टा हम करें कैसे, वो चेष्टा हम किस प्रकार से करें जो उन बातों को बोल रहे हैं? क्योंकि जब भक्ति के गुणों के बारे में बताया, छह लक्षणों का वर्णन चल रहा है, तब बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद की भक्ति क्या है, सुदुर्लभा। क्या है भक्ति? सुदुर्लभा, कि बहुत ही दुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। क्यों? पहली चीज, दो कारण बताए वहां पे। पहला कारण बताए हैं कि हम सुबह से लेकर रात तक क्या चेष्टाएं नहीं कर रहे हैं। सुबह 3 बजे उठना, हरिनाम करना, मंगल आरती करना, फिर ठाकुर जी बिगड़े रखे हुए हैं उनके लिए भोग बनाना, 5-5 बार भोग कर रहे हैं, अपना भोग लगा रहे हैं, हम अपना हरिनाम कर रहे हैं, 3 टाइम आनिक कर रहे हैं, हाँ, द्वादश तिलक लगा के घूमते हैं, शिखा भी रख ली है, मोटी मोटी कंठी भी पहन रहे हैं, हम हर प्रयास से जैसा बोलते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाते, जो जैसे रहना है व्रत करना, एकादशी, जितने भी सब चीजें आ रहे, क्या हम चेष्टाएं नहीं कर रहे हैं? चेष्टाएं हम अच्छे से कर रहे हैं। तो वहां पे बता रहे हैं कि चाहे जितनी मर्जी चेष्टाएं कर लो और परफेक्टली कर लो, परंतु वहां पे एक चीज बोला कि अगर भाव युक्त नहीं है तो, अनुगत और भाव अगर ये नहीं है तो सारी की सारी चेष्टाएं क्या है, शून्य, हरि भक्ति कभी आएगी नहीं। और दूसरे कारण में बोल रहे हैं कि क्यों दुर्लभ है, पहला बात तो समझ में आया ना कि जितनी सारी चेष्टाएं करी, चेष्टाओं में क्या था, भाव नहीं था, अनुगत्य नहीं था, इसलिए वो चेष्टाओं का फल शून्य। दूसरे में बोल रहे हैं हजारों लाखों परफेक्टली भाव युक्त अनुगत्य युक्त चेष्टा भी कर लो, होना भगवान की इच्छा से ही है। भक्ति कैसे आएगी? भक्ति देवी कौन है? भगवान की ही शक्ति है, भगवान स्वतंत्र है, भगवान को कोई चेष्टा, कोई कार्य, कोई कर्म बांध नहीं सकता। ऐसे ही भगवान की भक्ति को भी कोई कर्म, कोई चेष्टा बांध नहीं सकती, भक्ति देवी स्वतंत्र है। बात समझ में आई? तो इसीलिए वो सुदुर्लभा है कि आएगी तो किसकी इच्छा से आएगी? भगवद इच्छा से ही आएगी। जैसे ये दो पकड़े पड़े ना, सर घूम गया। मैंने कहा इसका मतलब अब क्या, मैं तो पहले पॉइंट में ही फेल हो गया। एक तो बहु चेष्टा भी नहीं कर रहा, ज्यादा चेष्टा भी नहीं हो पा रही, और उसमें भाव अनुगत्य वो भी नहीं हो पा रहा, दूसरी लाइन तक, दूसरे कारण तक तो पहुंच ही नहीं सकता कि परफेक्टली कर रहा हूं सारा काम, भक्ति के सभी अंगों को परफेक्टली पालन कर रहा हूं, भाव युक्त होके भी कर रहा हूं, पर भगवत इच्छा से आएगी। तो एक गुरुदेव की कथा, उस समय एक छोटा सा आर्टिकल कोट पढ़ा तो समझ में आया, लाइन पढ़ी, भगवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामी है। क्या? भगवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामी है, मतलब भगवत इच्छा भक्त इच्छा के पीछे चलेगी। कौन ते प्रति जानी ही नाम है भक्त्या प्रणश्यति, जो भगवान कह रहे हैं हे कुंती पुत्र तू प्रतिज्ञा ले कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, तो वही दिखा रहे हैं भगवान। क्या दिखा रहे हैं? खुद प्रतिज्ञा नहीं ले रहे, कहते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने भक्त के लिए तोड़ दूंगा, पर मेरे भक्त ने अगर प्रतिज्ञा कर ली, मेरे भक्त ने अगर प्रतिज्ञा कर ली, तो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की उसमें कौन लग जाऊंगा? मैं स्वयं लग जाऊंगा। तो इसीलिए तब समझ में आया क्या है, एक सबसे सरल उपाय है, क्या? वैष्णव गुरुवर्ग जनों के अनुगत्य हो जाओ। बस कि क्या
प्रणाम कहते ना भगवान कह रहे हैं ना एक से श्लोक में कह रहे हैं मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु कह रहे हैं जब तू कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम मुझे नमस्कार कर दे मुझे प्रणाम कर दे प्रणाम में क्या होता है हम क्या करते हैं कैसे प्रणाम करते हैं ऐसे वाला ये स्टाइल है हमारा प्रणाम करने का कैसा है दंडवत प्रणाम साष्टांग प्रणाम पांचांग प्रणाम हम उसमें क्या कर रहे हैं प्रणाम का तात्पर्य क्या है ये माथा आपके चरणों में ये माथा किस चीज का प्रतीक है दो चीज का बुद्धि और अहंकार कि मेरा जितना भी अहंकार है हे प्रभु हे गुरुदेव अब मेरा अहंकार क्या है मैं मेरा सर कहां है आपका अहंकार मेरा अहंकार का आपके चरणों में तो मैं क्या हुआ अब मेरा अहंकार है मैं आपका दास हूं मुझे स्वीकार कीजिए और अब ये जो बुद्धि है ना ये बड़ी ही कलुषित है संसार की बड़ी ही इसमें बुरी बुरी भावनाएं भरी पड़ी हैं बड़ा ही कचरा भरा पड़ा हुआ है ये बुद्धि अब मैं आपको समर्पित करता हूं और गुरुवर्ग भी कैसे दयालु है उन्हें पता है कि ये जो जीव आ रहा है मेरे पास जैसा शास्त्र तो कह रहे ना पीछे बैठा था पकड़ के बुला लिया तो वो भी क्या कह रहे हैं वो भी पतित पावन है उन्हें पता है ये बुद्धि कलुषित है जैसे हमारे गुरुदेव ने एक वचन आश्वासन दिया सीधा क्या प्रतिज्ञा हो गई भगवान के सामने कि तुम अपना कूमन दे दो गुरुदेव ने कभी तो नहीं कहा कि सुधर के आना साफ सुथरा के आना क्या बोल रहे तू अपना कूमन मुझे दे दो तुम लोग मैं उसको सुमन बना के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दूंगा तो क्या जैसा भी मैं हूं वो कह रहे हैं ना कि पहला लक्षण क्या अपने आप को समझो मैं क्या हूं तो जैसा भी मैं हूं जितने भी मेरे अंदर दोष हैं एज इट इज उठा के लाके कहा चरणों पे रख दो बता दो मैं क्या हूं मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं ये सब मेरे दोष है बस शरणागत हो जाऊं ये बुद्धि बार बार पलटी मारेगी कोशिश करेगी चेष्टा करेगी भागने की कहां से इस पथ से परंतु आप कृपा करके मुझे पकड़ के रखो एक चीज खुद बताओ अगर अभी हम में से हमें सब निकले बाहर और कपड़ा या कोई वस्तु लेने जाएं तो सब जो लाएंगे अलग अलग ही लाएंगे अलग अलग ब्रांड का होगा अलग अलग क्वालिटी का होगा हो सकता है हमारे में से कोई यहां से सीधा उठ के जाके किसी बड़े मॉल में घुस जाए हाँ DLF जो नोएडा के बड़े बड़े मॉल है कोई वहां घुस जाए कोई शायद बगल में छोटी सी दुकान से ही ले ले क्यों दो चीजें उसमें मेन सबसे बड़ी चीज क्या कि धन कितना है तो उसी प्रयास से जो मेरे प्रयास हैं हम देखते हैं किसी के प्रयास बड़े अच्छे चल रहे हैं कोई बहुत उत्तम प्रयास कर रहा है और मेरे बड़े न्यूनतम प्रयास हैं मैं बड़ा नीच का प्रयास कर रहा हूं या मेरे मन में ही इच्छा ही नहीं आती कि मैं प्रयास कर लूं ऐसा क्यों तो उसमें कह रहे हैं गुरुदेव की एक प्रकार का धन लगता है जिसको कहते हैं सुकृतियां अगर जिसकी सुकृतियां बहुत बलिष्ठ है खूब सुकृतियां हैं वो अच्छी जैसे जिसके पास ज्यादा धन है वो उतनी बड़ी गाड़ी लेगा उतना बड़ा घर लेगा उतने अच्छे कपड़े लेगा उसी प्रकार से जिसकी सुकृतियां जितनी ज्यादा है उसका साधन ऑटोमेटिकली उतना ही अच्छा होगा ही होगा तो अगर मैं अपना साधन अच्छे से नहीं कर पा रहा या मेरे साधन में कमियां हैं तो इसका मतलब क्या सुकृतियों का अभाव तो अब समझ में आई दो चीजें आई है क्या पहले तो समझ में आया कि भक्त कृपा भगवत माने भगवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामी है कि अगर भक्त ने इच्छा कर ली तो भगवान उसको पूरी करेंगे करेंगे और दूसरी चीज सुकृतियों का अभाव इन दोनों चीजों का एकमात्र उपाय है ऐसे गुरु वैष्णव जनों के बस पास आ जाओ जब पता चले यहाँ हरि कथा हो रही है महाराज जी यहाँ आ रहे हैं गुरुदेव वहां आ रहे हैं वहां वैष्णव सम्मेलन हो रहा है वहां हरि कथा हरि कीर्तन का प्रोग्राम है बस भाग जाओ क्यों अरे मैं तो भिखारी हूं वहां कुछ मिलेगा ही क्या मिलेगा सुकृतियां मिलेंगी सुकृतियां मेरी पुष्ट होंगी और क्या भाई मेरी चेष्टा मैं जितनी मर्जी कर लू होना क्या है भगवत इच्छा तो मुझे क्या करना है मैं ठाकुर को रिझाने नहीं आया हम कीर्तन जो गाते हैं ना मेरी कृपा मई राधे मेरी दया मई राधे या राधे कृपा कर दो तेरे चरणों की जो धूल मिल जाए वो सुन रही है हमारी कृपा को लगता है कि पहुंच रहा होगा वहां पर उन्होंने जो अपने एक जन को यहां भेजा हुआ है स्पेशली इसी कार्य के लिए जब हमने एक कार्य किसी को दे दिया
और विश्वसनीय पात्र है, योग्य पात्र है, आप क्या दोबारा उस कार्य की तरफ देखोगे? नहीं ना। तो जब उस कार्य को उनको दे दिया है तो वहां जाने की बजाय जिसको वो कार्य दिया है उसी की शरणागत तो रहे। तो इसीलिए जैसे इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि आचार्य माम विजानियात, आचार्य को गुरु को मेरा ही स्वरूप समझ के उसकी वैसे ही भक्ति, उसकी वैसे ही पूजा करो। तो इसीलिए ये गुरु निष्ठा, ये वैष्णव निष्ठा हमारे अंदर शुरू में मैं तो कहता हूँ यही भरी होनी चाहिए, चाहे ठाकुर के प्रति चाहे ज्यादा हो ना पाए, पर हम गुरु वैष्णवों के अनुगत्य हो जाएं। क्या होगा? दो काम, एक तो सुकृतियां अर्जित बहुत जल्दी होंगी, और दूसरा क्या होगा, इनकी कृपा हो गई। इन्होंने अगर वर दे दिया ना कि कृष्ण मतिर अस्तु, तो चाहे ना भी होनी होगी उस कृष्ण को करना पड़ेगा, उन राधा रानी को करना पड़ेगा। तो सबसे बड़े क्या है कि इन्हीं चरणों पे हमें शरणागत होना है और इन्हीं को ही हमें रिझाना है। वांछा गर्भवती वंशा कृपा पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये लोग हमारे गुरु जी की एक एक रत्न है। हम लोग उदाहरण देते हैं, हमारे जो गुरु जी वो पारस पत्थर है। जैसे पारस पत्थर के पास में लोहे आए ना, और लोहे को क्या बना देती है, वो सोना बना देती है। इसलिए इस साल हमारे गुरु जी की सेंटेनियर है, 100 साल की पूर्ति है, कि जो भक्त लोग हरि कथा बोल रहे थे सबके सब हमारे गुरु जी की एक एक रत्न है। गुरुदेव ने इस रत्न को छोड़ कर गए, और यही लोग ही दुनिया में ये हरी भक्तियों को जगत में प्रचार करते हैं। और हमारे बीच में श्री राजकुमार प्रभु जी हैं जो यहाँ पर प्रचार करने वाले हैं, इनकी वजह से यहाँ पर जो भक्त लोग हुए हैं। हरे नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैश्चित्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं शिरसां नमामि। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर त्रिवशाली श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नजर प्रथम स्मृति गुरुपाद पद प्रातः कालीन स्मरण नित्य लीला पृष्ठम जगत गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तथा श्रीमद भक्ति विधान परमहंस कृपाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री नारायण कृष्ण स्वामी महाराज जी के त्रि अवचन कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अयोध्या कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरुपाद पद्म मध्य शिक्षा गुरुदेव मंचाधीन श्रीमद पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी स्वामी महाराज जी के त्रि चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र मंडली कथा पिपासु श्रोत मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा यथोचित दंडवत प्रणाम है। और आज हृदय से एक प्रणाम और कर रहा हूँ। मेरा पिछली बार कथा थी ना संतोष माता जी के यहाँ, तो जीत होगा जो ऋण है वो तो कभी मैं उतार नहीं पाऊंगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा, कम नहीं थोड़ा सा ज्यादा, जो एक एक और व्यक्ति का ऋण है ना वो मेरा, जो एक मित्र होना चाहिए जीवन में, सबको मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक मित्र होना ही चाहिए जीवन में, वो मित्र हमारा वहां बैठा हुआ है ऋषि, एक बार जोर जाता है। होगी तो किसी से वो मेरा एक ही मित्र है जीवन में, और जो भी थे वो आज नहीं है, तो ये मेरा एक मित्र है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब कभी भी मैं मनुष्य रूप में आऊं तो ये मेरा मित्र अवश्य ही हो, और मेरे गुरु वही हो जिसका आज मैं शिष्य हूँ, और महाराज ऐसे ही बैठे हूँ अपने हाथ को मेरे सिर पर रख के, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। अभी हमारे रोहिणी प्रभु ने बोला ना
कि चले आओ और वहां आके अपने हृदय की बात को कह दो। महाराज जी आज बस 5-7 मिनट में दो बातें बोलूंगा, एक इन भक्त लोगों से मेरी प्रार्थना है, एक आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन है। तो पहले मैं आप लोगों से निवेदन प्रार्थना करूं, लेकिन उससे पहले मैं महाराज जी के चरणों में निवेदन ही करूंगा, मैं महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन ही करूंगा। निवेदन ही करूंगा, जैसे हमारे गुरु भाई गोहिनी प्रभु ने बोला ना चले आओ, तो मैं चला आया हूँ महाराज जी आपके चरणों में। और क्यों चला आया हूँ, देखो भाई सबको अपनी योग्यता, सबको अपने गुण और सबको अपने अद्भुत स्वयं से पता होंगे मेरे अंदर क्या योग्यता है, मेरे क्या गुण है, मेरे क्या अवगुण है। मेरा कोई गुण नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं अवगुणों से परिपूर्ण हूँ। तब पर भी मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, मैं इस बात को कहते हुए आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि मैं अधम हूं, मैं इस संसार का सबसे अधम व्यक्ति हूं, इस संसार का सबसे अधम व्यक्ति मैं हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। श्री गुरु करुणा सिंधु आप कैसे हैं, आप तो करुणा के सागर हैं, आप कैसे हैं, आप करुणा के सागर हैं, और मैं कहता हूं अधम, एकदम अधम, अधम से भी अधम। लेकिन आपकी देखो कितनी वत्सलता है, जो भगवान के दिव्य गुण है वो आप में परिपूर्ण रूप में लक्षित होते हैं। भाई भगवान ऐसे ही साधुओं की प्रशंसा नहीं कर रहे, भगवान ऐसे ही नहीं कर रहे जैसे उन्होंने बोला कि आचार्य मां विजय नित्य कि मेरे को आचार्य गुरु का आप मेरा ही दर्शन करो, साधारण बात भगवान ने बोली नहीं। तो आप में वही गुण है जो श्री भगवान में है, तो आप मेरे जैसे अधम पर अपनी करुणा करो, मुझे अपने चरण में अपने शरण में ले लो, मेरी तो यही एक आपसे निवेदन है, यही आपके चरणों में मेरी अभिलाषा है। बार बार मैं जब भी आपको जहां भी मिलूंगा मैं यही गाता रहूंगा, और जब तक आप मुझे नहीं भुला दोगे ना तब तक मैं आपके पीछे लगा रहूंगा। श्री महाराज जी मेरे गुरुदेव मेरे को प्रेरणा देते हैं, बार बार प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मैं अपने अनुभव को आपके साथ बहुत बार साझा कर चुका हूँ। मैं कहां से कहां चला गया था, मैं कहां नरक में चला गया था, मैं कैसी कैसी दुनियाओं में चला गया था, ऐसे महापुरुष के अनुभव होने के बाद भी ऐसे महापुरुष का सिद्ध का एक जो पद है, शिष्य का एक जो पद है वो भी मेरे पास आ गया था कि मैं किसका सिद्ध हूँ, श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का सिद्ध। लेकिन तब तक भी मैं कहां चला गया, मैं नरक में चला गया, वहां से मुझे उठा के लाए मेरे गुरुदेव आपके रूप में। तो मेरी आपके चरणों में महाराज जी यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपना लीजिए, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। एक बात जो आपके सामने मेरे को प्रार्थना करनी थी, जैसे श्री महाराज जी ने बताया गुरुदेव का शतवार्षिकी महोत्सव आने वाला है, गुरुदेव का शतवार्षिकी महोत्सव आने वाला है, इस जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए वो आए थे और निश्चित रूप में उन्होंने परिपूर्ण मात्रा में कृपा करी भी। 11 फरवरी को श्री गुरुदेव जगत में अपनी प्रकट लीला के 100 वर्ष पूरा करने, प्रकट लीला तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो तब पर भी वो है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, तब पर भी वो है, नहीं होते तो हम कहते उनके प्रति इतना हृदय में भाव कैसे कैसे उमड़ते, क्यों हम इतना परेशान होते, क्यों घर की चीजों को पीछे रखते, इस मार्ग पे आगे बढ़ने की चेष्टा करते, उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है। 11 फरवरी को उनकी शतवार्षिकी है और फरवरी के शुरू होते ही उनके एक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, दिल्ली जनकपुरी मठ में 3 दिन का आयोजन, उसके ठीक बाद 2 दिन के बाद हमारा नोएडा मठ में आयोजन, और महाराज जी से जैसी मेरी चर्चा हुई थी हम यहाँ पर भी मिलजुल कर वो गुरुदेव की शतवार्षिकी उत्सव करना चाहते हैं, मेरे हृदय की बहुत अभिलाषा है। तो मैं आप लोगों से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग सब प्रकार से मेरे को कृपा करें, तन मन धन वचन से इस महा इन महापुरुष के इस महायज्ञ को पूरा करवाइए, और आप देखना निश्चित रूप से श्रील महाराज जी के अनुगत्य में जब ये महान यज्ञ यहाँ शतवार्षिकी का होगा ना तो यहाँ के जीवों पर किस प्रकार से करुणा होगी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जितने लोग सुन रहे हो ना इन महापुरुष की ये जो तिथि आ रही है शतवार्षिकी, महाराज जी से चर्चा करके महाराज जी से समय लेंगे और एक कुछ अच्छा प्रोग्राम करने का हमको अवसर महाराज जी अवश्य ही देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में
बस यही प्रार्थना करते हुए श्री महाराज जी आप कृपा बनाए रखें, आप तो दया के सागर हैं, आप करुणा के सागर हैं। वांछा करते हुए तो कुछ बोलो निराला, एक मिनट कुछ बोल दे, सब बोले। हाँ हरे कृष्णा, देखो आप लोग रामायण सुने होंगे, जिस समय श्री हनुमंत लाल जी लंका में पहुंचे माता सीता को ढूंढने के लिए, हठात उन्होंने ढूंढ रहे थे, इतने में हठात उनको एक तुलसी की बाग दिखने को मिला। बोले लंका में तुलसी की बाग कैसे आ गई? ये तुलसी की बाग तो किसी भक्तों के घर में होता है, लेकिन ये लंकापुरी जहाँ पर रावण का दरबार पूरी, वहां पर तुलसी की बाग कैसे आ गई? हनुमान जी वहीं पर उतर, फिर क्या देखा, घर को सामने लिखा हुआ श्री राम। बोले श्री राम, मेरे प्रभु का नाम यहाँ पर कैसे आ गया है? मेरे प्रभु का यहाँ पर सिखा देते हैं, अपना घर में है ना, अपना नाम से घर नहीं बनानी चाहिए। कोई कोई अपना घर के सामने लिख देते हैं ना, अपना पति पत्नी का नाम लिख देते, नहीं, वास्तव रूप में घर किसका है, किसने ये घर दिया है? ठाकुर जी ने दिया है, इसलिए घर में तो सामने ठाकुर जी का नाम पर अपना भवन के नाम रखनी चाहिए। फिर उन्होंने देखा वहां पर शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह देखा, बोले ये तो सारे मेरे प्रभु का ही चिन्ह है। फिर हनुमान जी सोच रहे हैं, हो ना हो मेरे को कोई भ्रमित करने के लिए ये तुलसी की बाग और ये शंख चक्र गदा पद्म तो किसी ने प्रकट नहीं कर दिया। इतने में हनुमान जी सूक्ष्म रूप में वो घर में प्रवेश किया और देखा विभीषण सो रहा है और उसकी रोम रोम से रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता जय। सब ताली बजाते हैं, सब ताली। जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम। हनुमान जी ने देखा विभीषण के रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है। हनुमान समझ गए कि राम की पक्का भगत है। कोई भले ही माया से ये शंकर चक्र गदा पद्म प्रकट कर दिए, राम का नाम लिख दे, लेकिन कपट व्यक्ति का रोम रोम से कभी प्रभु का नाम नहीं निकलेगा। किसकी रोम रोम से नाम निकलेगा? जो भगवान के प्रेमी की भक्त हो ना, उसकी रोम रोम से ही ठाकुर जी का नाम निकल सकता है। फिर हनुमान जी बाहर आए और उन्होंने वहां पर उन्होंने दरवाजा को खटखटाया, फिर इधर विभीषण जी आए, फिर दोनों अंदर में वार्तालाप हुई। जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी, तो फिर विभीषण क्या कहता है, आज मोय भा भरसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिलई नहीं सकता, जो रघुवीर मोय अनुग्रह कीनी तो मोय दरस ऐठ दिन। ये कौन कह रहा है? से विभीषण कह रहा है, लगता है मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है, जो कि आज भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन हो गया। इसका मतलब है मेरे को भगवत प्राप्ति की कोई देर नहीं, जल्द से जल्द मेरे को ठाकुर मिलने वाले। इतने में हनुमान जी बोले देखो, विभीषण बोले देखो हनुमान, तेरे पास में बाप है और मेरे पास में माँ है। हनुमान के पास में कौन है? कौन है बोलो? राम है। और मेरे पास में कौन है? माँ है। जब तक तो पिता माता का मिलन नहीं होता तब तक पूरी नहीं होता, इसलिए तू मेरे लिए काम कर और मेरे तेरे लिए काम करता हूँ। मतलब मेरे पास में माँ है, जा तुम अशोक वाटिका में माँ जी से तुम मिलना, लेकिन मेरा एक काम कर देना, मैं तो अपना काम कर दिया, मेरे को अपना बाप के साथ में मिला देना। बोले ठीक है। तब विभीषण तो अपना काम करवा दिया। अभी जब विभीषण ने रावण को मनाया, बोले देखो ये जो माता सीता ये जगत जगत नहीं जगदम्बा, ये माँ लक्ष्मी, हम पुलस्त ऋषि के वंशज हैं,
हमारा कर्तव्य नहीं पराई स्त्रियों को उठा करके ले आना, ये हमारी कर्तव्य नहीं। जाओ माता सीता को वापस देकर जाओ। रावण ने क्या किया, तो लात मारी और वो लुढ़क लुढ़क नीचे गिरा और राज मुकुट वहीं पर रख करके प्रभु राम की शरण में आया। जब शरण में आए इतने में जितने हनुमान और वहां पर जितने सब बंदर सैनिक थे, उसको पूछा भैया तेरा क्या परिचय है, बोले मैं रावण का छोटा भैया हूँ। तो रावण का छोटा भैया, ये तो प्रभु राम का शत्रु का भाई है, उसको ना रस्सी में बांध बूंध करके लाए। जब लाए भगवान राम वहां बैठे हुए थे, लक्ष्मण राम दरबार लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने जब देखा वहां पर हनुमान जी बैठा हुआ ना, उसका कलर ऊंचा हो गया, छाती फूल गया। बोले क्यों, बोले यहाँ पर कोई परिचित व्यक्ति है जो मेरे को जानता है, क्यों ये लंका में गया था ना, इनको साथ में हमारी भेंट हुई। जब वहां पर गए इतने हनुमान जी, बोले तुम कैसे हो, तब विभीषण कहता है एकदम बात मत करो। बोले क्यों, बोले तुम आया था लंका में और मैंने माता सीता जी से मिलन तेरे को कराया, मैंने कहा था बाप से मेरे को मिला देना, देखो मेरे को बांध बूंद करके चलाए। तब विभीषण यहाँ श्री हनुमान जी कहते हैं, बोले तुम अपना परिचय तुमने क्या दिया था, बोले मैंने अपना परिचय दिया था रावण का छोटा भैया, बोले इसलिए तो बांध करके लाए। बांध करके क्यों लाए, क्या परिचय किया था रावण का, अगर तुम ये बोलता मैं हनुमान का मित्र हूँ का स्वागत करके ले आते, अरे इतना परिचय हनुमान का मैं मित्र हूँ, तुमने पहले ही गलत परिचय दे दिया। तो यहाँ पर जितने भक्त लोग जो विषय बोल रहे थे ना, हमारे अंदर में जो भी ये अभिमान हो, भगवान खुद कहते हैं जे में भक्ता जना पार्थ ना में भक्ता स्ते जना। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो कहता है मैं भगवान का भक्त हूँ, ठाकुर स्वयं कहते मेरा भगत नहीं है, लेकिन जो अपना परिचय देता है मत भक्ता नाम तो जे भक्ता स्ते सामे जुक्त तमा बता। अगर कोई परिचय दे मैं संतों का सेवक का सेवक का सेवक हूँ, भगवान कहते हो असली मेरे वही सेवक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बड़ी गुरु जी यहाँ पर है, अगर हमारे अंदर में ये अभिमान आ जाए हम संतों का सेवक का सेवक का सेवक हूँ, भगवान हमें जल्दी से जल्दी हमें ठाकुर जी जरूर मिल जाएगा। इसलिए शास्त्र में प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा करते हैं, कहते जो व्यक्ति कहता है मत भक्ता नाम तजे भक्तास्ते, कहते मेरे भक्तों का जो भक्त सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना, जो डायरेक्ट भगवान को भजन करते हैं, शास्त्र कहता है उसको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसमें शंका है। लेकिन अगर जो ये परिचय देता है मैं भक्तों का भी भक्त हूँ, कहते उसको भगवान जरूर उसको भगवान उसको मिलेंगे। इसलिए अपना परिचय क्या दो, क्या परिचय दो, अपना ये परिचय दो, संतों का सेवक का सेवक हम सेवक है, गुरु जी की सेवक का सेवक हम सेवक है। अगर ये अभिमान आ जाए ना, शास्त्र उसको गारंटी देता है एक दिन तुम भगवान को प्राप्त करोगे। इसलिए हम अपना ये परिचय दे हमारे जी बड़े गुरु जी की हम सेवक है सेवक है सेवक है, हमारे जल्दी से जल्दी हमारी काम बनने वाले। हमारे बीच में छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं, ये अपना भावना को व्यक्त करना चाहते हैं, थोड़े थोड़े समय बोलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी श्रोताओं के चरणों में मेरे यथायोग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी के आदेश से मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। गुरु जी अभी कह रहे थे मैं अपनी कुछ भावना प्रकट करना चाहता हूँ, मेरी तो कुछ अभी भावना है नहीं, मैं तो अभी अपना काम छोड़ के आया हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो ऑफिस में मैंने बताया मैं अभी मेरा सिस्टम चल नहीं रहा, तो मैं दूसरा तो मैं अपना सिस्टम बंद करके ये बोल के आया हूँ कि मेरे घर में दायित्व का उन्होंने
तो अभी गुरुदेव के आते से मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। देखो मैं इतना शास्त्रों की बात तो जानता नहीं कि शास्त्र क्या कहते हैं, पर जैसे साइंस है ना, साइंस क्या कहता है कि कोई भी आप एक्शन करोगे उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। कुछ भी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करेंगे तो उसका एक्शन का जरूर कोई रिएक्शन जरूर होता है। हम कुछ भी करते हैं तो क्या अगर हम थोड़ा सा भक्ति कर रहे हैं, कथा में बैठे हैं, थोड़ा भगवान का नाम ले रहे हैं, तो क्या इसका भी फल है? तो शास्त्र बताएंगे हाँ। तो किसी के उसमें मैं छोटी सी कथा कहने का प्रयास करता हूँ। एक बार एक चोर, बहुत बड़ा चोर, चोरी करके भाग रहा था। अब जब चोर है, कितना बड़ा डकैत है, उसके कार्य भी कैसे होंगे, चोरी करना, अहिंसा करना, अधर्म करना, डकैती, ये सब कार्य करता था। तो वो चोरी करके भाग रहा था तो उसने देखा कि उसके पीछे राजा के कुछ सिपाही पड़ गए और वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा। अब जो चोर होता है ना, वो दो स्थान ढूंढता है छुपने के, या तो एकांत स्थान जहां कोई ना हो, किसी चीज के पीछे छुप जाए, या फिर भीड़ भाड़। तो उसने देखा एक जगह पे कथा हो रही है, एक जगह पे कथा हो रही है, वो गया और वहां जाके कथा में जाके बैठ गया। अब वो कथा में जाके जब बैठ गया, उसने देखा उसके पड़ोस में जो व्यक्ति है वो भजन में पूरा कीर्तन में पूरा लीन हो रखा है, उसने उसका गमछा उठाया और अपने सर पर बांध लिया और वो भी भगवान का भजन करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस उसने दो मिनट ही किया, तब तक राजा के जो सिपाही आ गए और देखने लगे कि चोर नहीं आ गया, तुम बैठ गया। उसने देखा अरे नहीं, यहाँ तो सारे भक्त लोग बैठे, इतने सज्जन लोग बैठे, वो लोग सारे के सारे भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो वो राजा के सिपाही वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि हो सकता है वो जंगल की तरफ भागा हो, चोर है तो जंगल में भाग गया होगा। सारे सिपाही जंगल में भाग गए। अब जब सारे सिपाही जंगल में चले गए तो चोर उठा और वहां से उठ के चल दिया। उसने कोई कथा नहीं सुनी क्योंकि वो डरा हुआ था, उसने इस बात का भय था कि मुझे राजा के सिपाही पकड़ ना ले। वो बिना कथा सुने और थोड़ा सा भगवान का उसने हल्का सा कीर्तन किया, दो चार बार ताली बजाई और उठ के चला गया और वहां से अपनी जान बचा के भाग गया। तो जब चोर वहां से चला गया तो राजा के जो सिपाही ढूंढने लगे तो मिला नहीं। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, चोर की मृत्यु हो गई। पूरे जीवन भर उसने क्या किया था, पाप किया था, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई सत्संग नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो उसकी जब मृत्यु हुई तो उसे लेने आए यमदूत। यमदूत आया, उसको नाग पास बंधन में बांधा और ले गए यम महाराज के पास। और जब यम महाराज के पास ले गए तो उन्होंने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोला, उसमें देखा क्या क्या पाप किया इसने, चोरी डकैती लूट मार कपट छल कपट सारा कुछ बुरे जीवन भर उसने वही किया था। तो उसकी एक लिस्ट तैयार हुई। कैसे लिस्ट तैयार हुई, जैसे अगर हम जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, अब कोई व्यक्ति बताता है मुझे ये बीमारी है तो उसकी लिस्ट बनती है। अच्छा तुम्हें ये बीमारी है तो ठीक है, तुम्हारा एक्सरे भी होगा, तुम्हारा सीटी स्कैन भी होगा, तुम्हारा ब्लड टेस्ट भी होगा। तो उसी तरह उसकी लिस्ट निकाली गई। अच्छा इसने चोरी की है, पाप किया है, खून किया है, मर्डर किया है, तो इसको नरक में भी जाना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा। जब उस व्यक्ति ने इतना सा सुना और देखा कि लोगों की कैसी स्थिति है नरक में, तो वो तो भयभीत हो गया। वो डरने लगा कि मैंने पूरे जीवन भर पाप किया, मैंने तो कभी कोई सत्कर्म किया ही नहीं, कहीं सत्संग ही नहीं किया मैंने। तो यमराज जी ने कहा एक बार थोड़ा चेक कर लो इसने कभी कुछ पुण्य किया हो। तो उन्होंने उसकी लिस्ट चेक की तो उसमें देखा हाँ, इस व्यक्ति ने एक बार भय से, ये एक बार कथा में जाके बैठ गया था बस, और कथा में जाके बैठ गया था इसने एक बार, दो घड़ी के लिए भगवान का सिर्फ नाम ले लिया था, वो भी किससे, भय से, और कथा में थोड़ी देर के लिए बैठा था बस ही जाके। तो यमराज जी ने कहा कि देखिए कथा में बैठा था तो ये स्वर्ग में जाने का भी इसका अधिकार है। तो उससे पूछा कि तू पहले नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा? तो उसने कहा भैया नरक तो मुझे जाना ही है, नरक तो भोगना ही है, मुझे इतनी यात्रा है तो मुझे सहनी पड़ेगी, क्यों ना सबसे पहले मैं थोड़ी देर के लिए स्वर्ग ही चले जाऊं। तो उन्होंने बोला तो दो घड़ी के लिए तूने कीर्तन भजन किया था और कथा में बैठा था, इसलिए तुझे हम दो हफ्ते के लिए स्वर्ग में भेज देते। अब उसे दो हफ्ते के लिए स्वर्ग में भेज दिया। अब वो जो स्वर्ग में गया उसने वहां का ऐश्वर्य देखा, चकाचौंध रही, दो तो बड़ा है ना बड़ा, लेकिन उसका बिल्कुल भी भोग में मन नहीं। क्यों? उसे पता है कि दो हफ्ते बाद उसे यमदूत आएंगे और उठा के ले जाएंगे। यमदूत वही गेट में उसे छोड़ के चले गए। अब वो व्यक्ति अंदर गया परेशान, उसका मन ही नहीं लग रहा किसी चीज में, किसी भी तरह की भोग विलास में ऐश्वर्य में उसका मन ही नहीं लग रहा।
उसने देखा एक स्थान ऐसा है, बड़ा खाली स्थान है, वह कोई नहीं जा रहा। तो वहां वह गया तो उसने देखा वहां कथा हो रही है, जैसे यह कथा हो रही है ना वैसे वह कथा हो रही है। वह व्यक्ति वहां जाके उसके मन में विचार आया कि जहां मैं बिना मन के मन के प्रभाव से और कथा में जाके बैठ गया था है, वहां मुझे फल क्या मिला, स्वर्ग का। अगर वास्तव में मैं यहाँ हरि संग हरि भजन करूं है, भक्तों का संग करूं, थोड़ी सी कथा सुन लूं, तो मुझे क्या नहीं मिल जाएगा। वो व्यक्ति वहां जाके कथा में जाके बैठ गया, वो चोर जो था वो कथा में जाके बैठ गया और वहां जाके कथा सुनने लगा और वहां कीर्तन करने लगा। एक हफ्ता निकल गया, दो हफ्ता निकल गया, तीन हफ्ता निकल गया, चार हफ्ते निकल गए। अब वो चोर भी सोचने लगा कि यमदूत कहीं मुझे यहाँ छोड़ के भूल तो नहीं गए, हो सकता है भूल गए हो। लेकिन वहां जो यमदूत है ना वो यमराज जी से कह रहे हैं, यमराज यमराज जी वो चोर का जो समय पूरा हो गया है उसके दो हफ्ते हो गए, क्या उसे लेके आ जाए। तो यमराज जी ने कहा नहीं, अब उसे नहीं लाना। तो यमदूतों ने पूछा भैया ऐसा क्या हो गया, वो तो चोर है, उसने जिंदगी में चोरी की, लोगों के साथ छल किया है, कभी उसने भजन नहीं किया, हमेशा पाप ही किया। तो यमराज जी ने कहा नहीं, अब वो उसने वहां जाके वो भजन कर रहा है। जो थोड़ा सा भी भगवान का भजन करता है ना उसके जैसे कहते हैं पूरा घर है, उसके पूरे घर में बहुत सारी रुई रखी है और थोड़ी सी रुई में अगर चिंगारी लगा दे आती तो क्या होगा, रुई जल के भस्म हो जाती है, सिर्फ राख रह जाती है। उसी तरह व्यक्ति ने पूरे जीवन भर कितने भी पाप किए हो अगर उसने थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले लिया, भगवान का भजन कर लिया ना, उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। तो उसके अब सारे पाप क्षीण हो गए, अब वो पाप आत्मा नहीं रहा, तो वो पुण्य आत्मा बन गया है। अब तुम उसे प्रणाम करो, अब उसके अधिकार नहीं रहा। तो जब यमदूतों ने सुना तो यमराज जी बताया कि उन्होंने यमदूतों ने यमराज जी से पूछा कि उसने तो वहां जाके भगवान का जो पृथ्वी लोक में था उसने तो भगवान का नाम डर के बारे में लिया था। तो यमराज जी ने बताया कि भैया कैसे भी अगर व्यक्ति नाम लेता है, बताया कैसे भी संकेत से परिहास से जयती जयती नाम आनंद अनुपम वरारे वेमित निजु धर्म ध्यान पूजा दियतरम कथमपि सकृदातम मुक्तिदम परिणामितम परमं मृत्युलेखं जीवन भूषणमे मधुरं मधुरं नेतमंगलं मंगलानां सकलनिगम वलित सचित स्वरूपं सकृदापि परिगीतं हेयाया सरदावा भृंगवर नरमात्रं तारयेत कृष्णनाम। जो सरदा से हेविया पूर्वक जो कैसे भी भगवान का किसी ने नाम ले लिया ना उसका कल्याण ही होता है, भगवान का नाम बहुत कल्याणकारी है। ये बात कौन बता रहे, यमराज जी बता रहे, स्वयं उसको बता रहे यमदूतों को कि जिसने भगवान का थोड़ा सा भी नाम ले लिया, थोड़ा सा भी कथा कर ली, थोड़ा सा भी सत्संग कर लिया, वो व्यक्ति कभी भी नरक लोक में लाने के लायक नहीं है, उसको कभी मत लाना। तो देखो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों ने थोड़ा सा भी, वो तो चोर था उसने तो कुमन से किया, हमने तो थोड़ा सा मन से और भगवान का भजन किया है। तो हमें ये यमराज जी स्वयं बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, यमदूतों को कि ऐसे व्यक्तियों को कभी तुम नरक मत लाना। तो ये देखो कथा में बैठने का कथा करने का बहुत बड़ा फल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कहीं एक वक्ता मिलना बहुत कठिन है, यहाँ पर इतने सब वक्ता ही वक्ता है, सब कथाकार कथाकार है। इसलिए देखो जिस घर में भागवत में बताए सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युता दर कथा प्रसन्न, इसका मतलब है जिस घर में प्रभु की कथा हो, जिस घर में ये सत्संग और हरि कीर्तन हो, ये श्री सुत गोस्वामी कहते हैं पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ उसी घर में आ गए। आपको पता है पृथ्वी में कितना तीर्थ है, आप बता सकते हो? बोलो 6 अरब। कितना? 6 अरब। 1 अरब कितना होता है? अरे बोलो 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़। और कहते कितना अरब तीर्थ घर में बैठ जाते हैं? 6 अरब, मतलब 6 करोड़ तीर्थ उसी घर में आ जाते हैं जिस घर में भगवान की भक्त लोग आ जाए, जिस घर में हरि कीर्तन सत्संग हो। लीला हमारे श्री राजन, क्या ना, राजेंद्र चौहान, इन्होंने अपना पति ना, हाँ पति को जन्म तिथि को उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने घर में संतों को बुलाए, घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो रही है, इसका जितना पुण्य सुकृति किसको मिलेगी, वो बच्ची को मिलेगी, सब वो बच्ची को मिलेगी। लेकिन अभी ये अंग्रेजी हैं, ये अंग्रेजी कल्चर आकर के
हम क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा लोगों को बुला करके डीजे लगा करके उल्टा पुल्टा वहां पर गाने के ऊपर नाचते हैं, सबके शराब पी करके पता नहीं कितने जानवर को मरवा देते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं जिस बच्चे को ऊपर रखे में हम इतना बोतल तोड़वाएंगे इतने जानवर को मरवाएंगे वो बच्चे को कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो संत कहते थे अगर वो 100 साल जिंदा रहेगा ना उसी दिन 50 साल में आ जाएंगे, क्योंकि जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म किए हो, लेकिन जिसकी उद्देश्य में हरि कीर्तन सत्संग हो, कभी अगर वो 50 साल उम्र होगा ना उसी दिन का 100 साल उम्र में चल जाएगी उसी दिन, क्योंकि जिसकी उद्देश्य में इतने अच्छे काम हो रहे हैं है? इसलिए समझो कि बच्ची समझो बड़े पुण्यवान है शुक्र दीवान है जिसके उद्देश्य कर इतने संतल इतने घर में घर में इतने भक्त लोग इतने हरि कथा हो रही है समझो वो बड़े भाग्यवान है। इसलिए बच्चे को हम आशीर्वाद देंगे कि बच्चे आप थोड़ी सी कुछ बताना चाहते हैं। ज्ञान पुनरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते विप्रणमामि हरिते। प्रथमे से मेरा अस्मदीय गुरुपाद पद्म दंड स्वामी विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य शिष्य मन भक्ति वेदांत सिद्धर्म स्वामी सल गुरु महाराज जी चरण कमर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अवैध कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य शिष्य मन भक्ति वेदांत नारायण स्वयं महाराज समस्त रूपान गुरु परंपरा उपस्थित जित कृष्ण प्रभु जी समस्त वैष्णव वैष्णव चरण में मेरा अनंत कोटि दंडवत जथा जी के दंडवत प्रणाम करें उनकी अहतिक कृपा की प्रांशा करता हूँ। इस प्रकार हम कुछ समय पूर्व हम श्रीपाद हिरोइन नंदन प्रभु जी से हम श्रवण कर रहे थे कि हमारा जो कुमन है हम यदि सदगुरु जी के चरण में हमारे कुमन को अर्पण करते हैं तो हमारे जो गुरु जी होते हैं शुद्ध वैष्णव होते हैं वो हमारे कुमन को सुमन सुमन में परिणत करके ठाकुर जी के चरण में लगाते हैं। हम जिस प्रकार हम अभी हैं हमारा जो अवस्था है बहुत नीचे है तो ठाकुर जी का हम डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाते हैं तो गुरु जी के चरण में हम शरण जब लेते हैं गुरु वैष्णव की कृपा से ही हम उनकी कृपा की वांछा करते हैं। दो पॉइंट श्रीपाद रोहिणानंद प्रभु जी ने दो पॉइंट बताए थे कि हम परफेक्टली यदि सब सेवा करेंगे फिर भी क्या करेंगे ना ठाकुर जी की कृपा यदि नहीं होगा तब तक भी हम इस भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। तो किस प्रकार होगा ना बतलाए थे कि भगवत जो कृपा है वो भक्त की कृपा की अनुगामी है, अर्थात हमें किस प्रकार भगवत की भक्त की कृपा प्राप्ति होगा तो उस संबंध में मैं थोड़ा सा बतलाऊंगा आपको। सेकंड पॉइंट में ये बोले थे कि हमारा क्या होता है ना हमारे जितने भी मन होता है हम सदकाम करने के लिए भगवत संबंधी काम करने के लिए या कुछ सेवा करने के लिए बट हमारा मन जो क्या होता है बारम्बार डाइवर्ट होता है उधर से सही से नहीं लग पाता है। और किस प्रकार से हमारा मन लगेगा तो हमारे पूर्व बहु जन्म से हम जिस प्रकार से बहुत अनेक जन्म से भोग करते आ चले आए हैं तो हमारे जो संस्कार क्या है उसी प्रकार हो गए हैं जिस प्रकार की हम ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं या हरिनाम करते करते क्या होता है बारंबार हमारा मन क्या होता है विचलित हो जाता है सही तरह से नहीं लग पाता है। तो किस प्रकार हम हमारा मन लगेगा इसलिए और बोले थे कि सेकेंड पॉइंट में हमारा सुकृति यदि ना हो तो हमें गुरु वैष्णव की सेवा नहीं मिलता है। तो इस सुकृति हम किस प्रकार अर्जन करेंगे उस संबंध में थोड़ा सा जो मैं गुरु वैष्णव की मुख से श्रवण किया हूँ उसको आपके सामने में उपस्थापना करने के लिए प्रयास करूँगा। जैसे कि हम सब श्रवण किए हैं वैष्णव के मुख से तो संसार में सारे लोग क्या करते हैं दो तरह के काम करते हैं एक होता है पाप कर्म एक होता है पुण्य कर्म। जो पाप करते हैं उनको तो नरकगामी होता है या निम्न निम्न लोग जो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोग हैं हम जिस वो अभी लोक में हैं वो है वो लोग तो नीचे है 6 लोग ऊपर है 6 लोग और नीचे है 7 लोग। तो ये जो 14 ब्रह्मांड में जिस प्रकार हम कर्म करते हैं तो जो कुकर्म करते हैं अर्थात जो पाप कर्म करते हैं वो नीचे लोक की ओर जाते हैं उनको जो योनि मिलता है नेक्स्ट जन्म जो योनि मिलता है वो क्या होता है ना बहुत गाय शेर इत्यादि इत्यादि जो है मतलब मनुष्य जो योनि से जो नीचे योनि है उस जन योनि उनको प्राप्त होता है।
जिस प्रकार हम पुण्य करेंगे तो हमको क्या होगा, ना इस संसार की कुछ वैभव या संसार कोई वस्तु मिलेगा, नहीं तो ऊपर से ऊपर क्या होगा ना हमको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकता है। भगवत गीता में भी बोलते हैं स्वर्गलोक में कब तक हम उधर रह सकते हैं, जब तक हमारा पुण्य संचित है। जिस प्रकार हम विदेश गए हैं, हमारे जब तक हमारे पास कुछ मनी है तब तक हम उधर स्टे कर सकते हैं। जब खत्म हो जाता है फिर हमको वापस आना पड़ता है, या जहाँ पर भी किराया रह के रह रहे हैं वो भी हमें किराया रखने के लिए भी नहीं देते, हमको निकाल देते। ठीक उसी प्रकार जब पुण्य हमारा खत्म हो जाता है तो हमें स्वर्गलोक से पुनर्बार इस धराधाम में आना पड़ता है। पुनर्बार पुनरपि मननम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शरणम, अर्थात पुनर्बार पुनर्बार हमको इस धराधाम में आना पड़ता है। धराधाम कैसे है, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है ये है दुखालय है, दुखालय अश्वशतम। भगवान बोल रहे हैं कि मैं बनाया हूँ इससे से दुख से ही भरा हुआ है। तो किस प्रकार हमको प्राप्त हुआ, तो ये तो हो गया दो तरह के कर्म है, एक है पाप कर्म और पुण्य कर्म। जो पाप कर्म करते हैं वो नीचे जुनी में जाते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोग जाते हैं। तो किस प्रकार कौन सा कर्म करने से हमें सुकृत प्राप्ति होगा, और सुकृत प्राप्ति होने से हमको सत्संग प्राप्ति होगा, अर्थात हरिगुरु वैष्णव की दर्शन होगा या उनके संग मिलेगा। तो सुकृति बल शास्त्र में बताया है कि सुकृति दो तरह की होता है, दो प्रकार सुकृति होता है, एक होता है अज्ञान सुकृति और एक होता है ज्ञान सुकृति। तो सुकृति कैसे बनेगा, जैसे कि हम दान कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जितने भी हम कर रहे हैं जो भगवत से रिलेटेड नहीं है, जो भगवत या भगवान भगवान से जो रिलेटेड नहीं है, भगवत संबंधी वस्तु नहीं है, उनके लिए हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा पुण्य कर्म में जाएगा, वो हमारा सुकृति नहीं होगा। वो अब पुण्य के क्या फल देता है, पुण्य के फल मिलता है कि हमको इस धरातल में जितने भी वैभव मिलता है धन कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और सुकृति कैसे होगा ये प्रश्न सबके मन में आएगा, तो सुकृति तभी हम अर्जन कर सकते हैं जो भगवत संबंधी वस्तु के साथ हम यदि काय का मन का काय से मन से और वचन से जिस प्रकार से हम उनकी सेवा करते हैं तो उसी से हमें क्या होता है ना सुकृति होता है। तो जिस प्रकार हम मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, प्रत्येक दिन हमको क्या करना चाहिए, यदि हम साधु गुरु वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं या यदि सत्संग लाभ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवत संबंधी अर्थात भगवान की आरती दर्शन करना चाहिए, भगवत संबंधी भगवान को दिया जलाना चाहिए, आरती करना चाहिए, अगरबत्ती दिखाना चाहिए, और भगवत संबंधी और भगवत वस्तु जितने भी संबंधी अर्थात हम प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद प्रत्येक दिन हमारे सबके घर में जो तुलसी की पौधा होगा, क्योंकि जितने भी सारे हिंदू होते हैं सबके घर में होता है, मैं भी ऐसा करता हूँ सारे लोगों के घर में भी तुलसी पौधा होगा। सतगुरु के लोगों के घर में है ना तुलसी पौधा, तो तुलसी पौधा है तो नहाने के बाद हमको क्या करना चाहिए ना तुलसी में जाकर क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन तुलसी में जल डालने की, जल जो दान करते हैं जल जो देते तीन बार उनका भी मंत्र है, और तुलसी चयन जब करते हैं उसका भी मंत्र है, तुलसी क्षमा प्रार्थना के मंत्र है। तो हमें यदि मंत्र भी यदि नहीं याद है तो सिर्फ क्या करना चाहिए ना प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, तुलसी में जल देना चाहिए तीन बार, जल दे के जैसे क्लॉक वाइज लेफ्ट से राइट तक क्या करना है चार बार परिक्रमा करना चाहिए, हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। क्योंकि तुलसी जो है, तुलसी जी की जो प्रणाम मंत्र में ये बोलते हैं कि वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय कस्यवश्चच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमः नमः, अर्थात कृष्ण की जो भक्ति है वो कौन प्रदान कर सकता है, तुलसी जी ही प्रदान करेंगे। क्योंकि तुलसी जी की सेवा करने से हमारा क्या होता है सुकृति बनता है, उसी से पुण्य नहीं बनता है, हमारे इस जगत की कोई भी फल हमें नहीं मिलेगा, उसी से सुकृति बनेगा। सुकृति जब बनेगा धीरे 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 उसी से क्या होगा ना हमको साधु संघ प्राप्ति होगा, सत्संग प्राप्ति होगा। सक्षत प्राप्ति होने से क्या होगा ना साधु गुरु वैष्णव जो है जो हमारे परमार्थी कल्याण चाहते हैं सदा सर्वदा, जो हमारे कल्याणकारी है, सब हितेशी है, सदा सर्वदा हमारे कल्याण चाहते हैं, तो वो हमको पकड़ पकड़ के ठाकुर जी की सेवा में गुरु वैष्णव की सेवा में लगाएंगे, जिस प्रकार से हमारा कल्याण होगा। भगवान और साधु गुरु वैष्णव की स्वभाव तो आप सब जानते हैं, वैष्णव महात्मा भी बोलते हैं जो साधु लोगों का हृदय होता है कैसा होता है, नवनीत समान, नवनीत अर्थात नवनीत जो है जो माखन है उसको तो मतलब पिघलने के लिए उसको ताप की जरूरत होता है, बट साधु लोगों का हृदय इतना मतलब कोमल है कि पर दुख के देखने से ही उनका क्या होता है ना द्रवीभूत हो जाता है, वो बारंबार क्या प्रतिष्ठा करते हैं कि किस प्रकार हम उस पतित जीव का हम उद्धार करेंगे। तो हमारा जो अभी अवस्था है बहुत हम पतित है,
तो हम किस प्रकार उद्धार होंगे ना किस प्रकार हमें स्वीकृति अर्जन करना चाहिए। तो इसलिए हम प्रत्येक दिन यही प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक दिन नहाने के बाद तुलसी में 3 बार जल देना चाहिए और 4 बार परिक्रमा करना चाहिए और ठाकुर जी का आरती जितने भी भगवत संबंधी वस्तु के ज्यादा से ज्यादा उनके संबंध में हम कुछ संलग्न हो सकते हैं और एकादशी भी कर सकते हैं। एकादशी की बोलते हैं कि भक्ति जननी माधव तिथि, जो भगवान माधव है वो एकादशी के रूप में ही विराजमान करते हैं। तो उसी दिन जो ठाकुर जी के एक नाम करते हैं तो उनको 1000 नाम के बराबर फल मिलता है। तो एकादशी करना चाहिए, तुलसी में पानी देना चाहिए, तुलसी में परिक्रमा करना चाहिए और ठाकुर जी की प्रत्येक दिन तुलसी के 9 प्रकार की सेवा बोले हैं। तुलसी के दर्शन करना उनका एक सेवा होता है, उनमें जल देना, उनके धूप से और सर्दी से रक्षा करना। सही यदि कोई देखे है तुलसी पौधा और कहाँ मतलब उठा है गंदगी में उसको सही जगह में रोपण करना, तुलसी को स्पर्श करना, तुलसी को चयन करके ठाकुर जी के चरण में अर्पण करना। एकादशी में जो तुलसी का जो होता है मंजरी उसको जो चयन करके ठाकुर जी के चरण में और माथा में देता है उनका बहुत बड़ी स्वीकृति मिलता है, बहुत बड़ी कृपा मिलता है ठाकुर जी की। तो इसीलिए सबको यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें भगवत संबंधी जो वस्तु है उनके साथ में हम संलग्न हो सके और उनके शरण में क्या कर सकते हैं धीरे 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 हमारे मोती को लगा सकते हैं। मैं इतना कहें कि मेरा वाणी को विश्राम देता हूँ। सब कुछ हो गया अब तो चलो ओम ज्ञान तिरंदस ज्ञान जन सलाके चक्षु मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंचाकल्प कृपस्य कृपा सिंधु दैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसन गौर भक्त बोलो ये बच्चे का कल्याण हो उसका कल्याण हो। एकता में मानता है एकता इतना सब लोगों ने मिलकर बोला कितना आनंद है। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद उसके बाद समस्त गुरुवर के चरणों का स्मरण करता हमारे मंच के आसीन पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जितने भक्त लोग यहाँ पर है वैष्णव लोग वैष्णवी माताएं दीदी लोग प्रभु सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं विशेषकर मोहन नगर के लोग। इसमें एक हफ्ते के अंदर दो प्रोग्राम हो गए पिछले रविवार को 25 तारीख को भी अभी तो क्या है 31 को भी अनाउंस हुआ। करतीस का विशेष दो आनंद का कारण क्या है, एक तो जो आयोजक है जो आयोजन करते हैं जैसे पिछली बार हमारी संतोष माता जी ने किया, इस बार हमारे राजेंद्र प्रभु जी ने किया। इनका विशेष योगदान है, चाहे कोई भी हो जन्मदिन है पोती का जन्मदिन है किसी का भी, पर मूल कारण इनका है जो इन्होंने निमंत्रण दिया। और दूसरा मूल कारण है महाराज जी इतना दूर से बड़ौस से आए, जब भी किसानों का आंदोलन चल रहा है और मेरे पास फोन भी आया था बागपत पे किसान बहुत लोग जाम कर रखा है रोड और हम लोग शायद आ भी नहीं सकेंगे, परंतु महाराज इतना कष्ट करके इतना दूर से आए और जिसके कारण हम लोगों को ये आनंद आ रहा है। और बीच के लोग हम लोग है जो आनंद ले रहे हैं मटर पनीर साहब का भी हम लोगों को मुफ्त में आनंद मिल रहा है। दो लोग की विशेष कृपा है जो लोग आयोजन करता है और जो लोग विशेष कर आते हैं और बीच में हम नाच गा के प्रसाद पा के आनंद ले रहे हैं। तो भक्तों के संग में आनंद है, कहते हैं वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण। किस लिए आनंद किस लिए होता है
वहां पर कृष्ण प्रसंग होता है, वहां पर कृष्ण की कथा में ऐसा आनंद है। और जो किसी भी प्रकार से आएगा, जो वैसे ही दर्शन के लिए भी आएगा, कीर्तन श्रवण करने भी आएगा, प्रसाद पाने के लिए आएगा, वो भी व्यक्ति आनंदित हो जाएगा। क्योंकि जहाँ आनंद बट रहा हो ना, गुरु क्या होते हैं, कृष्ण कृपा की आनंद आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा, कृष्ण भगवान आनंद में है और उनकी हर वस्तु आनंद में है। तो ऐसे उनके जो भक्त जन है वो भी क्या आनंद में है। तो गुरु आना और आनंद देने के लिए आया है, वो कुछ भी चीज नहीं देते, वो क्या देते हैं, दुखों को हरण कर लेते हैं और हमको आनंद ही देते हैं। जैसे बता रहे थे ना, ये छोड़ो सारे क्लेश दुख छोड़ो और क्या लो, भगवान का नाम, परम मंगल नाम भगवान का लो। अब समय तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं एक बात बोलना चाह रहा था परंतु इसको हम लोग, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, फिर इसका जो उत्तर है, 26 जनवरी को भक्त लोग यहाँ पर आएंगे, दोबारा देंगे। एक बार क्या हुआ, काम्य वन में 5 पांडव अज्ञातवास वहां पर पालन कर रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, 5 पांडव को प्यास लगी, द्रौपदी भी थी वहां पर। तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम को भेजा पानी, कहीं पर पानी तो देखो कहीं पानी, बड़ी प्यास लगी पानी। तो पहले लोग बड़े बुद्धिमान होते थे, विशेषकर भगवान के भक्त तो क्या होते, कृष्ण भक्त बड़े चतुर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे चतुर कौन थे, भक्त बुद्धिमान भी। तो उन्होंने देखा कुछ दूरी पे पक्षियों का कलरव हो रहा है, पक्षी जहाँ पर ऊपर जो उड़ते हैं कलरव करते हैं, वहां कहीं ना कहीं पानी हो सकता है। तो देखकर आए वहां पर काम में बने एक जगह है, वहां पर एक कुंड है, धर्म कुंड नाम का। तो उस कुंड पे जैसे भीम जब पानी लेने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि पानी, कह रहे प्यास मेरे को बहुत लगी, पहले मैं पानी पी लेता हूँ फिर बाद में पानी पड़ लूंगा। तो जैसे ही पानी को पीने के लिए गए, तो वहां पर एक धर्म कुंड से एक यक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा तुम इसका पानी पी नहीं सकते, तुम्हें पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तब भीम ने कहा मैं कौन हूँ, जानता हूँ मैं भीम हूँ और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्यों दूं, मैं पहले पानी पीऊंगा। तो इतने ही करके क्या वो मूर्छित हो गए। फिर बाद में धीरे धीरे करके अर्जुन आए, नकुल आए, सहदेव आए, चारों आए, पर सब एक एक करके मूर्छित हो गए, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। पर जब बाद में युधिष्ठिर महाराज आए, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, इससे बहुत बड़ी हमें शिक्षा मिलती है, कोई श्रेष्ठ है, कोई कुछ बोलते हैं तो हमें पहले उनका सुनना चाहिए, हमें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं करना चाहिए। जब धर्मराज आए, उन्होंने बड़ी नम्रता से बोला, हाँ आपके कोई प्रश्न है तो बताइए, मैं उनका, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब मेरे चार चार भाई यहाँ पर मूर्छित होकर गिर गए हैं, जरूर आप बहुत ही प्रभावशाली कोई व्यक्ति हैं। तब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक के बाद एक बहुत सारे प्रश्न किए, और जो कि प्रश्न हमारे लिए सबके लिए बहुमूल्य है, उसमें से एक प्रश्न का मैं थोड़ा सा उठाना चाहूंगा यहाँ पर, उसका उत्तर शायद नहीं होगा, उसका उत्तर मैं अगली बार बहुत विस्तार से करूंगा, बड़ा सुंदर है और हमारे सब लोगों के लिए मंगलदायक है, सब लोगों के कल्याण का है। तो उन्होंने कहा बहुत सारे बात बोला, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, और उन्होंने एक प्रश्न किया, जीव कौन व्यक्ति सुखी है, एक प्रश्न उसमें आया कि महाजन पंथ क्या है और इस जगत में कौन व्यक्ति सुखी है, तो कौन व्यक्ति सुखी है, उन्होंने प्रश्न किया। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज उत्तर दिया, क्योंकि वो धर्मराज है, उन्होंने कहा जिसपे किसी प्रकार का ऋण नहीं है वो व्यक्ति सुखी है, जिसपे अप्रवास, जो जो कि अपने घर में रहता है और जो दूर देश में नहीं रहता, जो व्यक्ति किसी प्रकार का ऋण नहीं है वो व्यक्ति सुखी है। अभी हम लोग यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति सुखी है, आप सोच सकते हैं कि हमें, हमारे पास किसी प्रकार का ऋण नहीं है, है हम तो किसी का ऋण लेते नहीं, परंतु यहाँ जब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको लगेगा हम सभी लोग ऋणी है और हमारे बहुत प्रकार के ऋण है हमारे पे, और उसका जो है इसीलिए हम लोग दुखी हैं। जब तक हम पूरे नहीं होंगे तब हम सुखी नहीं होंगे। क्या ऋण है, कोई कहता नहीं मैंने जीवन में किसी का उधार नहीं लिया, पर यहाँ पर शास्त्र क्या कहते हैं, जीव मात्र 6 प्रकार का ऋण है जो जगत में है, क्या है, देवताओं का ऋण। सूर्य है ना, सूर्य यदि 12 दिन या 3 दिन ही निकलता ना, हमारे शरीर विटामिन डी की कमी हो जाती है, कफ कमी हो जाती है, बहुत प्रकार की कमी हो जाती है। तो सूर्य जब निकलते नहीं है ना, तो हमें पता है हम उनकी कितनी प्रकार की, जो डॉक्टर हजारों लाखों की दवाई देते हैं, वो सूर्य देव निकल के हमें दिन रात हमें ऐसी ऊर्जा देते हैं जिससे हमारा शरीर चल रहा है। और चंद्रमा है, जो जितने भी प्रकार की औषधि है, वो चंद्रमा यदि निकलेगी ना, पेड़ों में रस नहीं बनेगा, औषधि भी ठीक से नहीं होगी
और हमको भी जो गर्मी आती है जेठ की गर्मी आती आती है उसमें भी शीतलता प्रदान होगी। और जल देवता है अरुण वरुण बहुत प्रकार के देवता है 33 करोड़ देवता है उनका हम अगर वरुण वायु देवता ऑक्सीजन वायु बंद कर देते एक सेकंड भी हम नहीं जी पाएंगे तो हम लोग इन देवताओं के ऋणी है। बारिश ना हो या सूरज ना निकले या चंद्र इसलिए हमारे देवता का ऋण है कोई है व्यक्ति गरीबी नहीं है पर माता पिता का भी हमारे पे ऋण है क्योंकि एक माता पिता ने हमें अपने 9 महीने गर्भ में रखा है फिर हमारे पाला पोसा है बड़ा किया है 9 महीने तक नर्सरी केजी बहुत पढ़ाया बहुत हमें परिश्रम किया पालने पोसने में। एक माता पिता का ऋण को चुकाने के लिए सौ माता पिताओं से जन्म लेना पड़ेगा अगर 100 माता पिता से जन्म लेना पड़ेगा तो 99 का फिर चढ़ जाएगा फिर दूसरी माता को उतारने के लिए करना पड़ेगा तो 198 माता का चढ़ जाएगा ये बढ़ता ही जाएगा। और ऋषियों का भी ऋण है हमारे जो हमारे वेद व्यास सुखदेव गोस्वामी आदि आदि बड़े बड़े संत नारद जी हुए हैं गुरुवर हुए हैं महापुरुष गोस्वामी उन्होंने जो ग्रंथ हमें दिए हैं उनका भी हमारे ऊपर ऋण है अगर ऋषि मुनि नहीं आते तो हमारा क्या होता। दूसरा भूता जो दूसरे जीव है एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर ऋण है जैसे हम स्वेटर पहन रहे हैं ये स्वेटर कहाँ से बनता है किसी कोई भेड़ी के ऊन से बनता है कपड़े पहनते हैं जो कपास होती है उसकी साथ उसको उगाते हैं फिर वहां से मार्केट में आता है वहां से आप लोग खरीदते हैं या आप दूध पीते हैं दूध का गाय का दूध पीते तो गाय से दूध आता है गाय का ऋण है और भैंस का दूध पीते तो भैंस का आदि ऋण है कोई भी वस्तु आती है एक दूसरे से कनेक्टेड है हमें दूसरे जीवों का हमारे ऋण है। तो ऐसे क्या है हमारे और क्या है ऐसे 6 प्रकार के ऋण है ये ऋण कैसे उतरेंगे बहुत कठिन है ऋणों को उतारने के लिए ये ऋण जब तक उतरेंगे नहीं हम लोग सुखी नहीं हो सकते। अब ऋण कैसे उतरेंगे इसका उत्तर है कि भगवान की शरण में जाने से ऋण कर देंगे पर कैसे उतरेंगे इसको मैं ना अगली बार जब आएंगे ना 26 तारीख को हम लोग आ रहे हैं इसको विस्तार से वर्णन करेंगे अभी समय नहीं है। और महाराज जी भी अभी बच्चे का आशीर्वाद देंगे प्रभु जी ने प्रसाद व्यवस्था की है महाराज जी को बड़ौद में जाना है वहाँ कथा भी होगी इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनना इसका बड़ा जीवन में बड़ा हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला है। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसको उत्तर सुनने के लिए आपको फिर आना पड़ेगा या फूल दे रसम घाट अभी फूल दो जो फूल था अरे फूल का दे दो फूल जो दिया सबका हाथ निकला गया फूल ठीक है सब फूल मिला हमको सब हाथ में फूल है उनको मिला नहीं अरे उनको दो फूल आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो और लाली इधर आ जाओ इधर इधर आओ और यहाँ बैठ हाँ आप लोग मेरे पीछे पीछे ये वेदों का मंत्र है अब हम लोग वेद का मंत्र पढ़ करके बच्चों को आशीर्वाद देंगे जैसे बच्ची अपना जीवन में खुशी रहे लिखाई पढ़ाई बहुत बढ़िया करे और जीवन में भगवान की भक्ति भी करे ठीक है हम लोग सब हमारे पीछे पीछे बोलो बोलो ओम स्वस्ति नो गोविंदा स्वस्ति नो अच्युतानंद स्वस्ति नो वासुदेव विष्णुर दधातु स्वस्ति 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 सुमंगलैकेश महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव जयसां इन्दिवरस्याम हृदयस्थो धनार्दन माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरती साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते
रचयति नवजुना द्वंद्वमस्मिन् मन्दम् कीटकीलकलनार्थ लग्नकस्त्वयर्मे निजनिकटनिवास देहि गोवर्धनत्वाम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तुलसी गिरिराज महाराज की विघ्न विनाशन कारी नृसिंह देव की भक्त श्रेष्ठ शिल प्रहलाद महाराज की सपरिकर गौर हरि की सपरिकर प्रभुपाद की सपरिकर गुरुदेव की जय जय श्री आपका हाथ में जो पुष्प है ये दोनों बच्चों का आशीर्वाद हो बच्चे खुशी रहे पढ़ाई करे और भगवान की भक्ति करे बोले मंगलम भवतु कल्याणम भवतु सुखी भवतु हाँ जो फूल है ना इकट्ठे करके ला करके इनके सर पर दे दो इकट्ठे करके इनके सर पर इनका इनका बढ़िया से फोटो लो हाँ इधर इधर घूम कर उधर उधर घूम कर उस तरफ पे अरे इनका फोटो लो बढ़िया से प्रभु जी इनका फोटो लो अरे इस तरफ को इधर से एक बेटा हां इधर देखो लाला इधर देखो देखो दोनों लखन इधर देखो बेटा हरे कृष्णा बोले वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की हां बोले जीव श्याम लाला जीव श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जीव Yeah.
Thank you.